लेते हैं जो एग्जेक्टिव समरी है, ठीक है। तो ये इतनी बात मैंने कल आपको मेंशन कर दी थी कि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है। इसमें हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, ऐसे ऑप्शंस को देखते हैं जिसमें आपको एक से ज्यादा साल इसमें लग रहे होते हैं, तो हम उनको असेस कर रहे होते हैं कि भाई कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो मुझे 4 साल के बाद कैश इनफ्लो रिसीव होना है वो मेरे लिए इतना ज्यादा मैनिफेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं जितना वो आज होगा रही, तो मैं क्या ये जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट करूँ या नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, द बेसिक इश्यू इज दैट वी हैव टू टेक अ डिसीजन टुडे टू इन्वेस्ट इन एन इक्विपमेंट और अ प्रोजेक्ट रिजल्टिंग इन फ्यूचर कैश फ्लोस, ठीक है। टेक्निक्स यूज्ड आर, इसमें दो चीजें हमें पढ़नी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड IRR यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF भी उनको कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इसका आप देखोगे DCF इस्तेमाल हो रहा होगा। अच्छा, अब सवाल वही उठता है, आपने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में भी पढ़ा था कैश फ्लोज कैश फ्लोज कैश फ्लोज, लेकिन उसमें तो हम रेलेवेंट कॉस्ट में नॉन कैश आइटम्स भी पढ़े होते थे, इनकम फोरगॉन है ना, ये सब चीजें भी हम देख रहे होते थे, जो आपके जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फिर रेलेवेंट इनकम्स है ना, कॉस्ट सेविंग को भी आप कंसिडर कर रहे होते थे ना, हालांकि वो तो कोई कैश फ्लो नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर हम ये प्रोजेक्ट लेते हैं या ये इक्विपमेंट जो है वो नहीं आई नथिंग इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर मैं ये इक्विपमेंट इंस्टॉल कर दूँ तो मेरा क्या होगा, मेरी कोई कॉस्ट सेविंग होगी। अब उस कॉस्ट, वो कॉस्ट सेविंग आपका ना कैश आउटफ्लो है रियल टर्म्स में, ना कैश इनफ्लो है ना, वो तो कॉस्ट सेविंग है, कैश आउटफ्लो हो रहा था और अब नहीं होगा, राइट। लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका कैश इनफ्लो होगा, है ना, बात समझ आ रही ना, वो आपकी रेलेवेंट इनकम होगी है ना, उसको आपने एज अ पॉजिटिव शो करना है। तो वही सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, एंड ऑल कैश फ्लोज आर फ्यूचर कैश फ्लोज, देयरफॉर वुड बी कंप्यूटेड यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। तो उसमें अभी अगेन हमें थोड़ा सा बिगर पिक्चर को देखना है, जरूरी नहीं है कि हमने वो चीजें देखनी है कि वाकई में जिसमें हमारी जेब से पैसे निकल रहे हो, हमने अब कुछ जरा इस तरह की भी चीजों को देखना है। अच्छा, डेप्रिसिएशन के साथ ना मामला थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन को यहाँ पे आपने टोटली इग्नोर करना है, ठीक है ना। देखते हैं आगे, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व इन द एक्चुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो नॉट डिस्कस्ड एट दिस लेवल, यू बहुत मतलब प्रीलिमिनरी लेवल पे भी हम पढ़ रहे हैं। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर ऑलरेडी कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग डिस्काउंट रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलोंग विद इंटरेस्ट कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इंटरेस्ट कॉस्ट बेसिकली आपके डिस्काउंट रेट में ही समझे कि बिल्ट इन होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ डिस्काउंट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बियॉन्ड द सिलेबस। डिस्काउंट रेट का दूसरा नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इज बियॉन्ड द सिलेबस एंड देयरफॉर वुड ऑलवेज बी गिवन मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग लाइक दिस दिस लाइक सीएपीएम आर डिस्कस इन लेटर बी स्टडीज। ये बात मैंने कल भी आपको मेंशन कर दी थी कि हम लोग बहुत सारे रिस्क और अनसर्टेनिटीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर हमारा डिस्काउंट रेट कैलकुलेट होता है, जो नीचे एक बात हो रही थी, ठीक है। तो उस चीज को इनकॉर्पोरेट करके हम अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बनता है, ठीक है। अब हम जरा यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा एक जनरल एक तरीका है नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगेन, व्हाट डज द टर्म डिनोट, क्या मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली क्या चीज होती है, इट इज द टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज रेलेवेंट फॉर दैट डिसीजन, ठीक है। जरा लिख लें अपने पास, नेट प्रेजेंट वैल्यू सिंपली प्रेजेंट वैल्यू होती है ऑफ ऑल द फ्यूचर रेलेवेंट कैश फ्लोज, ठीक है। और यहाँ पे कैश फ्लो से मुराद क्या है, कैश फ्लो से मुराद आपकी रेलेवेंट कॉस्ट वाली सारी आइटम्स है, ठीक है। तो जो पहला हमारा स्टॉप है वो क्या है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। चले, नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली होता क्या है, ठीक है जनाब। अब इसको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इसमें किस क्या क्या चीजें आती हैं, पहले तो जरा मैं आपको ये एक स्ट्रक्चर ऐसी इन्होंने बताया हुआ, पहली बात है कि किसी सिनेरियो से भी रिलेट नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं आपको उसको समझाती हूँ। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैं अब ये असेस कर रही हूँ कि मैंने एक मशीन खरीदनी है, ठीक है, एक मैंने मशीन खरीदनी है, उसकी टोटल कॉस्ट है 40,000, ठीक है, और वो मैंने 3 साल तक इस्तेमाल करनी है, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 3 ईयर्स। अब मैं उस 40,000 कॉस्ट ऑफ मशीन से रिलेटेड मैंने ये कंप्यूट करना है कि मैं उस मशीन को इस्तेमाल करूंगी तो मुझे क्या कैश इनफ्लोज होंगे, मेरे क्या कैश रिलेटेड खर्चे होंगे उस मशीन से रिलेटेड, जैसे उसकी मेंटेनेंस वगैरह है ना। तो अब आपके सामने ये जो उन्होंने एक इलस्ट्रेशन रखी हुई है, देखिए क्या होगा, हमेशा यहाँ पे एक जीरो का कॉलम भी आपको नजर आएगा, टाइम जीरो कहते हैं उसको, ठीक है। नाउ फॉरन से अगर आप ये करते हो कि जी मैं मशीन अगर खरीदूं तो मेरे पास टाइम जीरो यानी कि अभी यानी कि करंट वैल्यूज पे क्या मेरे पास खर्चे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मशीन या मशीन का परचेज करना, ठीक है। तो कैश आउटफ्लो है टाइम जीरो पे, इसके आगे जो सेल ऑफ मशीन है उसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ, ठीक है। तो मैं आज जो है वो 40,000 रुपए का कैश आउटफ्लो करके मशीन को खरीदूंगी, फिर ये 5,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल क्या है इसको भी वैसे आगे जाके हमने देखना है, लेकिन आपका किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी एसेट को खरीदते हुए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, नेट आपके करंट एसेट्स है ना, ठीक है। हो सकता है आपके जो है आपको कोई कैश वैश कैश रिजर्व थोड़ा सा बढ़ाना हो अपना, ठीक है, इस तरह की चीजें। इसी तरह से हमारे पास एक और चीज भी आ सकती है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो तो हो सकता है कोई इंक्रीज इन डेटर्स वगैरह हो, है ना, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो वर्किंग कैपिटल, एग्जैक्टली वर्किंग कैपिटल आपको बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर मशीन के लिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है, अज्यूमिंग यहाँ पे हम स्ट्रेट अप अजम्पशन क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे स्ट्रेट अप अजम्पशन ले रहे हैं कि मशीन हम कैश पे परचेज कर रहे हैं, हमारी जनरल अजम्पशन होगी अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज, ठीक है। तो टाइम जीरो पे 40,000 का खर्चा हुआ, 5,000 का आपको वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ा है ना, नेट कैश आउटफ्लो आ रहा है कितना, टाइम जीरो पर, ठीक है। फिर आपको दिया जाएगा क्या, डिस्काउंट रेट है ना 10%। मुझे बात बताइए
आज के दिन टाइम जीरो पे क्या कोई डिस्काउंटिंग होगी? नहीं जनाब, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर वन ही होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के दिन जो 45,000 रुपीज का नेट खर्चा हो रहा है वो रियल टर्म्स में भी कितना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 45,000। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ये वन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है एक साल के बाद। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। जनरली एंड ऑफ ईयर वन, ईयर वन का स्टार्ट है, मिड है, एंड है, क्या है, हम अज्यूम ये करते हैं कि ऑल इस तरह के जो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हो रहे हैं ना वो एंड ऑफ द ईयर पे अकर कर रहे हैं। ये हमारी एक और बेसिक अजम्पशन है। ठीक है, वो आगे जाके सब लिखी हुई है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पहला साल गुजरा तो पहले साल के एंड पे हमें कैश रिसीव हो रही है 50,000। ठीक है, फिर हमारे जेब से कुछ खर्चे निकल रहे हैं। ठीक है, उस मशीन से रिलेटेड अगेन रेलिवेंट कॉस्ट है ना, जो इररेलेवेंट होगी अगर कोई जनरल फिक्स कॉस्ट है, कोई अपोर्शनड फिक्स कॉस्ट है, कोई एब्जॉर्ब फिक्स कॉस्ट है, वो तो लेनी नहीं है ना, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट हम अप्लाई करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं वो तो जनरल फिक्स कॉस्ट, वो तो होने ही होने, वो तो हमेशा रिलेवेंट होते हैं। तो स्पेसिफिक टू दिस मशीन ये हमारे खर्चे आ रहे हो सकते हैं, हमने कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके बेसिस पे हमें हर साल 30,000 रुपए पे करने हैं। तो नेट आपका ईयर वन का नेट आपको क्या रिसीव हो रहा है, नेट कैश इनफ्लो हो रहा है, पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो जो चीज जो नेट 20,000 रुपीज आपको एक साल के बाद मिलने हैं उसका डिस्काउंट फैक्टर ये कैसे कैलकुलेट हुआ, डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, 1/1 i^n, है ना। ये जो आप कैलकुलेट करते हैं ये वन है, ठीक है, 1/1 i^n डिस्काउंटेबल आपको गिवन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका जो ये जो आंसर आपका कहलाता है ना, ये आपका कहलाता है डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, 10% डिस्काउंट रेट है और हर साल का डिस्काउंट फैक्टर अलग निकलेगा। फिर आपने क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इस चीज को जरा देखूं तो मैं इसको इस फॉर्मूले को कुछ यूं भी एक्सप्रेस कर सकती हूं, मैं ये कह सकती हूं कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर, है ना, जहां पे वेयर डिस्काउंट फैक्टर is equal to 1/1 i^n। ठीक है, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, सिंपल एज दैट, नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर हम पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर निकाले हैं, हाँ बिल्कुल 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 यही करना है, फॉर्मूला ही आपने यूज करना है, क्योंकि मैंने एनुअलिटी का टेबल आपको गिवन नहीं होगा, डिस्काउंट फैक्टर का जो टेबल होता है ना एनुअलिटी को गिवन नहीं होगा, वो मेरे ख्याल से आपको BFD में मिलता है, आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे उसका भी याद नहीं है, तो नहीं मुझे करंट अकाउंट पॉलिसी का पता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि अब 20,000 का डिस्काउंट फैक्टर क्या है, तो मेरे पास कौन सा है, ये ईयर वन पर है ना, ईयर वन पे, तो मेरा डिस्काउंट फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/1 0.1 10%, है ना, रेस टू द पावर 1। ठीक है, सेकंड ईयर आएगा तो सेकंड ईयर का मेरा डिस्काउंट फैक्टर क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर हो जाएगा 1/1 0.1 10% रेस टू द पावर 2। ठीक है, तो ये चेंज होते रहेंगे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/1.1 करते हैं 2.909 आता है, आप टू 3 decimal places रखेंगे तो ये थोड़ा सा जो है वो आपका एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। ठीक है, फिर 1/1.1 रेस टू द पावर 2 आंसर क्या आएगा, 0.826, तो 20,000 × 0.909 ये आ जाता है 18,180। ठीक है, 20,000 × 0.826। अच्छा, आखिरी साल की पढ़ाते हैं, आखिरी साल में बहुत सारी चीजें होनी है। पहली बात क्या होनी है, आपने मशीन को सेल ऑफ कर देना है ना, तो क्या रिसीव होंगे, डिस्पोजल प्रोसीड, सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी। ठीक है, तो क्या गिवन होंगे, ठीक है ना, तो हमें क्या रिसीव होगा, एक कैश इनफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो हो रहा था प्रोजेक्ट के स्टार्ट में मशीन को जब हम खरीद रहे थे, और कैश इनफ्लो हो रहा है कब, प्रोजेक्ट के एंड पे जब मशीन को बेच रहे हैं, या प्रोजेक्ट के एंड पे नहीं चले, मशीन को जब बेच रहे हैं उसकी यूजफुल लाइफ के एंड पे। फिर इसके अलावा एक और चीज भी आपको हर हाल में रिटर्न होनी है, भले वो क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, जितना आपने वर्किंग मशीनरी आपने डिस्पोज ऑफ कर देनी है ना। ठीक है, आपने मशीनरी को खरीदते हुए वर्किंग कैपिटल भी इन्वेस्ट किया था 5,000 का, वो पूरा का पूरा 5,000 भी आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो होगा क्या, प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे डेटर्स और क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे, है ना, प्रोजेक्ट के एंड पे क्या होगा, सारे डेटर्स और क्रेडिटर्स वगैरह को खत्म नहीं करना है ना, जो डेटर्स हैं उनसे पैसे वापस ले लेने हैं, जो क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट कर देनी है, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। तो ये बात आपको जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में मेंशन हो, लेकिन आपने हर हाल में, अभी मैं आपको सारे रूल्स लिखवाऊंगी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर विल ऑलवेज बी रिटर्न्ड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल ऑलवेज बी रिटर्न्ड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट और एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। सिर्फ दो चीजें हमें कंसिडर करनी होती है, इन्वेस्टमेंट इन एन एसेट, नॉन लॉन्ग टर्म एसेट, या इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो एंड पे हमें हर हाल में रिटर्न होगा, क्या अमाउंट रिटर्न होगी वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड भी कर सकता है। ठीक है, उसके ऊपर अभी हम आते हैं, चले नहीं, तो ईयर थ्री में वही आपको 50,000 की उस मशीन से जो है वो कैश इनफ्लोज हो रहे हैं, आप उस मशीन से प्रोडक्ट मैनुफैक्चर कर रहे हैं, हर साल जो है 50,000 का वो आपका कैश इनफ्लो रेलिवेंट जनरेट कर रहा है ना, और 30,000 के कैश एक्सपेंडिचर है, आखिरी साल में कितने नेट कैश इनफ्लो 31,000। ठीक है, और उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। अब इसमें रूल क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें रूल क्या है कि इफ अ प्रोजेक्ट और अ लॉन्ग टर्म एसेट सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में आए तो इसका मतलब है कि इट इज वर्थ मूविंग ऑनवर्ड, मतलब विथ। ठीक है, क्या मतलब हुआ पॉजिटिव नेट,
ठीक है, क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि वो कितना एंटिटी में वैल्यू एडिशन करेगा, ठीक है, यानी कि नेट बेसिस पे अगर हमारी प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा उसकी जो एंटिटी के कैश फ्लोज है उनके ऊपर, अल्टीमेटली क्या है पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी पे तो खैर कमी फोकस किया जाता है, कैश फ्लोज पे इसमें ज्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो 45,000 रुपीज का नेट खर्चा है टाइम जीरो पे है ना, जो फ्यूचर में मेरे पास नेट कैश इन्फ्लोज आ रहे हैं ना वो मोर देन इनफ है टू कवर दैट, है ना। मेरी यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट किया, नेगेटिव 14,000 प्लस 18,180 प्लस 16,520 प्लस 23,281। ऐसा भी हो सकता था कि ईयर टू में कहीं पे नेगेटिव फिगर होती है ना, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी बात नहीं है कि किसी प्रोजेक्ट में टाइम जीरो पे आपके पास नेट कैश आउटफ्लो और बाकी सारे सालों में नेट कैश इन्फ्लोज ही हो सकता है आगे जाके किसी प्रोजेक्ट में किसी साल में आपको फर्दर कोई खर्चा करना पड़ जाए जो एक्सपेक्टेड हो, है ना। तो वो ये भी हो सकता है कि ईयर टू में जो है ना, नहीं अच्छा जना मैं आपको देती हूँ अभी। तो पॉइंट ये है कि आपने इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एक ही फॉर्मेट करवा रही हूँ, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मेट यानी कि यही वाला है कि आप पहले हर साल का नेट कैश इनफ्लो कैलकुलेट करें और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, रादर देन कि मैं जी 40,000 के अलग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालू, 5,000 के अलग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालू, दोनों को नेट ऑफ टू, आंसर मेरा वही 45,000 होगा। या पहले मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूँ 50 की, फिर मैं नेगेटिव 30 की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूँ 0.909 को यूज करके, दोनों को नेट ऑफ करूँ, आंसर मेरा वही आने 81 की, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान है, तो वी विल बी फॉलोइंग जस्ट वन फॉर्मेट ओनली, ठीक है जनाब। अच्छा जी जरा कॉपी कर लें जो करना है, फिर उसके बाद हम इनके जो कुछ बेसिक रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन बनाएंगे इंशाल्लाह। चले जी, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑल कैश फ्लोज आर अज्यूम टू अकर एट द एंड ऑफ अ ईयर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एसेट इज टेकन एज अ कैश आउटफ्लो इन ईयर जीरो, ऑल्दो टेक्निकली इट इज एट द स्टार्ट ऑफ ईयर वन, ठीक है। तो मैं अगर एक्चुअली ये इस जीरो और वन का एनालिसिस करूं तो ये क्या है, स्टार्ट ऑफ ईयर वन इज व्हाट, जीरो, ठीक है। स्टार्ट ऑफ ईयर वन इज व्हाट, इट इज टर्म्ड एज जीरो, स्टार्ट ऑफ ईयर वन इज नाउ, ठीक है। कि अगर हम अभी डिसीजन ले लेते हैं तो पहला साल अब से शुरू हो जाएगा, क्लियर होगी बात। तो अब जो है ना वो जीरो है और पहला साल का आखिरी दिन इज व्हाट, इसको हम कहेंगे वन, इज दैट क्लियर, बात समझ आ गई। तो पहले साल का शुरू इज जीरो, पहले साल का आखिरी दिन इज वन, दूसरे साल का आखिरी दिन इज टू, तीसरे साल का आखिरी दिन इज थ्री, ठीक है, दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं, इट्स डिस्पोजल वैल्यू इज टेकन एज अ कैश इनफ्लो इन ईयर एंड, डिस्पोजल वैल्यू इज इन्फ्लेटेड विद एप्लीकेबल इन्फ्लेशन, अभी हम आते हैं उसके ऊपर तो देख लेते हैं। अच्छा जी, फिर सवाल ये होता है कि भाई अगर सवाल में ये हो जाए कि आपने इस मशीनरी को खरीदने के लिए लोन लिया था, तो याद रखिएगा लोन और इंटरेस्ट एक्सपेंस आर टू बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। इवन दो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैम लोन लेना इज अ कैश इनफ्लो, है ना, लोन जब आपको रिसीव होता है तो कैश इनफ्लो होता है, और फिर जब हमें अल्टीमेटली साल के तीसरे साल के एंड पे वो लोन रीपे करना है तो वो आउटफ्लो होगा रेलेवेंट टू दिस मशीन। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये ऑलरेडी, पहली बात तो ये इंटरेस्ट जो है ना वो तो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कवर्ड है, इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है तो वो उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, हमने उसमें इंटरेस्ट को किसी ना किसी तरीके से शामिल किया हुआ है, कैसे किया हुआ है दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप राइट नाउ, ठीक है। जो लोन की बात आ जाती है, लोन का रिसीव होना इज कवर्ड इन द शेप ऑफ आउटफ्लो ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। लोन का रिसीव होना फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट, उसको बेसिकली हम कह रहे हैं कि वो भी बैक एंड पे इनकॉर्पोरेटेड ही है। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो प्राइमरली इक्विटी रिलेटेड जो आपके समथिंग के बोरोइंग फंड होते हैं ना उन पे बेस करता है, ठीक है। तो आपने बस अपने पास ये रूल लिख लें, लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द प्रोजेक्ट और फॉर दैट एसेट इज टू बी इग्नोर्ड कम्प्लीटली, ठीक है। फिर अगर आपने एसेट या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कोई फीजिबिलिटी स्टडी करवाई है, कोई सर्वे कॉस्ट करवाया, तो पहली बात यह कि फीजिबिलिटी स्टडी आप कराते हो डिसीजन लेने से ही पहले, है ना, वो तो आप हर हाल में कराते हो, उसके बेसिस पर डिसाइड करते हो कि डिसीजन ले मतलब ले या ना ले, ठीक है। तो फीजिबिलिटी स्टडी आपका इररिलेवेंट हो जाएगा बिकॉज इट इज अ संक कॉस्ट, नंबर वन। नंबर टू, फीजिबिलिटी स्टडी तो आप इनका कराते ही कराते हो वेदर द डिसीजन इज टेकन और नॉट, तो वो इररिलेवेंट उस पॉइंट से भी हो जाता है, क्लियर होगी बात, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्किंग कैपिटल इंजेक्टेड इन द फर्स्ट ईयर इज रिकूप, रिकूप का मतलब है रिकवर्ड, ठीक है, रिसीव्ड बैक इन लास्ट ईयर, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है ना, कि जो आपने ईयर वन में वर्किंग कैपिटल लगाया होगा कैश आउटफ्लो होगा वो, क्योंकि आपकी जेब से पैसे अब इन्वेस्ट हो रहे हैं ना, टाइम जीरो पे इन्वेस्टमेंट हो रही है बस हर चीज में, और आखिरी साल में वो आपको रिकवर हो जाएगा, वो इनफ्लो होगा, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम जरा एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे। इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स एक्वायर्ड एंड रिजल्टिंग करंट लायबिलिटीज फॉर स्टार्टिंग अ स्मूथ बिजनेस, फॉर एग्जांपल रूटीन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ रेस्टोरेंट बिफोर इनॉग्रल, ठीक है। ये मतलब कोई भी आपकी रूटीन की जो कवर करने के लिए आप एसेट्स और एक्सपेंसिस को कवर करने के लिए जो एसेट्स और लायबिलिटीज इनकर करते हैं वो आपका नॉर्मल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बेसिकली। चलिए एक एग्जांपल आगे आपके सामने, इसको जल्दी से सॉल्व करें। क्वांटो कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू मशीन दैट विल बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट एट इट्स एक्जिस्टिंग प्रोडक्शन सेंटर, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, न्यू मशीन खरीदे या ना खरीदे, द प्रोडक्ट एंड द मशीन आर बोथ एक्सपेक्टेड टू हैव एन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 इयर्स, तो आपके पूरे 4 साल के कैश फ्लोज होंगे। द फॉलोइंग एस्टीमेट्स ऑफ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स हैव बीन मेड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता दिया 1, 2, 3, 4, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता दिया,
और सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स बता दिए, ठीक है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड देयर वुड बी नो इंक्रीज एट ऑल इन फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, अगर यहाँ पे इंक्रीज होता फिक्स कॉस्ट में बिकॉज ऑफ परचेज ऑफ मशीन, तो बताएं हम फिक्स कॉस्ट की क्या फिगर लेते हैं, या लेते लेते ही नहीं, फिक्स कॉस्ट कभी नहीं लेना, क्या ऐसा इंक्रीमेंटल लेना होता फिर, है ना। फिर हमें हर हाल में क्या लेना होता, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट तो रेलेवेंट हो जाता है, तो जो रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट है वो तो आपने लेना ही लेना, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ द, अब डेप्रिसिएशन तो हर हाल में आएगी आएगी, है ना। The machine would cost rupees 4,40,000 and at the end of its 4-year life it would have no residual value. Oh, chale, ye to masla ho gaya. Masla to khair us sense mein nahi hua, lekin cash inflow nahi hoga phir, na? The company has a cost of capital of 9% EMR discount rate. Calculate the net present value of the proposed project. Start karte hain, koshish karte hain iski tarah. 0, 1, 2, 3, 4. Panch columns honge. 0, 1, 2, 3, 4. 0 times 0 mein kya kya kharche ho rahe hain aapke, kya kya cash outflow hai, working capital ke baare mein nahi bataya hua to nahi lenge, hai na? Phir inflows aapke start honge time 1 se. सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट इनका होना शुरू होगा ईयर वन से, जरा स्टार्ट करें, कोशिश करें उसको अटेम्प्ट करने की। तो जिस तरह से आपका टेबल बनेगा, ठीक है, पहला कॉलम थोड़ा डिस्क्रिप्शन का होगा, उसमें आपने बताना है कि भाई जो आप कैश इनफ्लो आउटफ्लो बता रहे हैं क्या उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन क्या उसकी, ठीक है। चलिए कोशिश करें इसको फिर सॉल्व करते हैं। आज मैं थोड़ी सी आप लोगों की लंबी क्लास लूंगी, लेकिन ऑब्वियसली बात है ब्रेक बीच में दे दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा सॉरी सीमा के अलावा आज आपकी और कौन सी क्लास है, एफआर टू वो कितने बजे है, 11:00 बजे 12:00 बजे, ठीक है। Page 472 Quanto Company, अब ये reference लिख लिया करें ना, Quanto Company, जरा जल्दी से solve करें बच्चे। चले बल्कि मैं ये मैं सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। डेप्रिसिएशन को आपने इग्नोर करना है, इवन दो आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये तो रेलेवेंट कैश फ्लो है, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी आप इसको इसी तरह से समझें कि ये इनकॉर्पोरेट इस टर्म का ये हो जाएगा, ठीक है। जब आप ये काम करते हो ना, कौन सा काम, यहाँ पे देखें, जब आप एक कैश आउटफ्लो दिखाते हो 40,000 का और 6,000 का रेजिडुअल वैल्यू भी आपने दिखाया, तो मुझे बात बताइए कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट, है ना। आप इस तरह से समझें कि जो डिप्रिसिएशन आना है ना ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, वो ऑलरेडी टाइम जीरो पे आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, ठीक है। जो डिप्रिशिएबल अमाउंट आपका बनता है ना 40 माइनस 6, अब वो किस तरह से बनता है, एक्चुअली तो वो बनता नहीं है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये वो पहली बात तो ये कि डिप्रिसिएशन के ऊपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का असर होता ही नहीं है ना, बिकॉज इट इज नॉट अ मॉनेटरी, इट्स नथिंग रिलेटेड टू पेपर मनी, राइट, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन इज एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये तो डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से इसका कोई ताल्लुक है नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मैं अगर आपको ये कहूंगा कि 5,000 की डेप्रिसिएशन ईयर टू में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 5,000 ही होनी चाहिए, यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अगर हर साल 5,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी एक्चुअली 5,000 रुपीज है, डिक्लाइन इन वैल्यू मींस डिक्लाइन इन वैल्यू, दैट्स इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, बात समझ आ गई। तो डेप्रिसिएशन को भी हमें एक्चुअली अपनी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज से हमें एक्सक्लूड करना है। तो अगर मैं इसको जल्दी से देखूं, तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे पास यहाँ पे जो मशीन है, मशीन और डिस्पोजल वैल्यू एक साथ ही एक ही लाइन में दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक टाइम जीरो में एक टाइम फोर में, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग लाइन में करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो मशीन को खरीदने का खर्चा आएगा 4,40,000, ठीक है, 4,40,000 एक टाइम जीरो पर आएगा, है ना। और साथ ही उसने बता दिया है कि एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ उसकी रेजिडुअल वैल्यू जीरो होगी, अगर होती कुछ तो हम उसको पॉजिटिव में शो कर देते हैं, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं टाइम जीरो पे और क्या क्या खर्चे हैं, क्या कोई उसने वर्किंग कैपिटल की बात की, अपेरेंटली कोई बात नहीं हुई। तो फिर अब हम काम शुरू कर देंगे ना, टाइम जीरो पे सारी इन्वेस्टमेंट होगी, अब आपका मशीन जब काम शुरू कर देगी तो हमारे पास क्या होगा, पहले साल के इख्तिताम पे आपके पास टोटल सेल्स
कितनी होगी, मैं जल्दी से उसको वर्कआउट कर रही हूँ, 8 रुपए फी यूनिट सेलिंग प्राइस होगी, पहले साल के एंड पे 30,000, ठीक है, तो 8 × 30,000, ठीक है, देखते हैं जरा, 8 × 30,000 आप लोग चेक कर ले, सेकंड ईयर के एंड पे 9 × 40,000, थर्ड ईयर के एंड पे हम कहेंगे 50,000 × 10 यानी कि 5 लाख, और फोर्थ ईयर के एंड पे कितना होगा 2,20,000 × 10 यानी कि 2 लाख, ठीक है, ये आपके पास कैश इनफ्लोज आ गए। फिर उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आपके आउटफ्लोज हैं, खर्चे होंगे, अज्यूमिंग ऑल आर मेड ऑन कैश, तो 4 × 30,000 नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव 4 × फिर उसके बाद 5 × 50,000, ठीक है, तो 8 × 30,000, ठीक है, देखते हैं जना, 8 × 30,000 आप लोग चेक करें, सेकंड ईयर के एंड पे 9 × 40,000, थर्ड ईयर के एंड पे हम कहेंगे 50,000 × 10 यानी कि 5 लाख, और फोर्थ ईयर के एंड पे कितना होगा 2,20,000 × 10 यानी कि 2 लाख, ठीक है, ये आपके पास कैश इनफ्लोज आ गए। फिर उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आपके आउटफ्लोज हैं, खर्चे होंगे, अज्यूमिंग के ऑल आर मेड ऑन कैश, तो 4 × 30,000 नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव 4 × 30,000 1,20,000 हो गया, 4.5 × 40,000, फिर उसके बाद 5 × 50,000, और आखिरी आपके पास आ गया है, आप चाहो तो नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन से भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कर लो, लेकिन बेहतर है कि चले कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, 5.5 × ठीक है, तो नेट आपके पास क्या हिसाब किताब है, हर साल का आपने कैलकुलेट कर लिया कि नेट कैश इनफ्लो कितना है या आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो नेगेटिव में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो टाइम जीरो का नेट कैश आउटफ्लो है, बाकी केसेस में नेट कैश इनफ्लो है, हमने क्या लेना है, डिस्काउंट फैक्टर एट कितना है 9%, ठीक है, 9% के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर अप टू 2 decimal 3 decimal places कर लेंगे तो आपके पास हो गया 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 / 1.09 रेस्ट ऑफ पावर 1, है ना, डिस्काउंट फैक्टर हो गया, रेस्ट टू अप टू 3 decimal places हम कर लेते हैं इसको, ठीक है, 0.917, फिर दूसरा क्या होगा 1 / जी बिल्कुल आंसर सेम आएगा बेटा, आंसर डिफरेंट थोड़ी आएगा, 1 / 1.09 × 1.09 ये बेसिकली मैंने क्या कर दिया, रेस्ट पावर 2 कर दिया, है ना, 1 / 1.09 रेस्ट पावर 2, ठीक है, फिर 1 / ठीक है ना, 1.09 रेस्ट टू द पावर 3 एंड 1 / क्या हो जाएगा रेस्ट टू पावर 4, ठीक है, 0.708 इज दैट क्लियर, ठीक है, 0.708 आ गया, ये आपके डिस्काउंट फैक्टर्स हैं, तो फिर आपने क्या कैलकुलेट कर लेनी है, प्रेजेंट वैल्यूज, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यूज भी अपनी चेक कर ले, अब यहाँ पे याद रखिएगा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो अब यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन द सेंस, ऑब्वियसली बात है, कई दफा तो टाइम लगेगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो आप हर केस में नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर से, ठीक है, तो आपके पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी निकलती है, अब इसके अंदर हमने किस चीज को इग्नोर किया है, डेप्रिसिएशन को इग्नोर किया, लोन अगर गिवन होता तो तब हम उसको भी इग्नोर करते, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी इग्नोर करते, ठीक है, तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है 78,390 है, तुम्हारा डिसीजन क्या होगा, ठीक है, क्या करेंगे, बाय द मशीन, है ना, डिसीजन हमारा क्या होगा, बाय द मशीन सिंस इट हैज अ पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, चले बिफोर मूविंग ऑन, अच्छा चले पहले हम एनुटीज भी पढ़ लेते हैं, उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं जो हमारा पैक हैंडबुक में, अदरवाइज मेरा दूसरा लेक्चर वो था प्लान था, लेकिन लेट्स गो फॉर दिस, यहाँ पे नोट करना था, जल्दी से नोट करें, डन, चले अब आगे चलते हैं, अब जरा हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल एलिमेंट ही देख लेते हैं, वो पूछ सकता है आपसे फॉर अ कपल ऑफ मार्क्स फॉर 2 or 3 मार्क्स की भी वजह दी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो पार्ट बी करके आपसे पूछ सकता है, ठीक है, देयर आर हायर चांसेस के वो नेट प्रेजेंट वैल्यू के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और IRR की पूछ ले, ठीक है, तो अब क्या आपको नजर आ रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से ये असेस करना कि क्या हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें, हमारे पास क्या है, पहली बात तो ये कि वो बहुत एक्यूरेटली आपको बता देता है कि भाई उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो इस चीज को जरूर इनकॉर्पोरेट करता है कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से जो मनी में डिक्लाइन आएगा मनी की वैल्यू में उसकी वजह से हमारी एंटिटी इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसी बात है ना, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्स अकाउंट ऑफ द टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोस बाय कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच कैश फ्लो एट द इन्वेस्टर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, दूसरी बात ये कि इसके अंदर हम कैश फ्लो फोकस्ड अप्रोच लेकर चलते हैं, है ना, एंटिटी के लिए उसके कैश लेवल उसका बेसिकली कितना होता है उसके लिए बड़ा मैटर करता है, कितने पैसे उसके पास आ रहे हैं, कितने पैसे उसके पास जा रहे हैं, इसके अलावा कितना पैसा था जो अर्न कर सकते थे लेकिन नहीं किया, जिसको हम क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, इसके अलावा हम ये चीज भी इनकॉर्पोरेट उसको भी हम कैश फ्लोज में लेके जाते हैं कि भाई कॉस्ट कितनी खर्चा हो सकता था जो कि नहीं हुआ, तो ये हमारे बेसिकली कैश लेवल्स को इंपैक्ट करेगा ना, अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोई मैंने ऐसी मशीनरी खरीदी है जिससे वैसे हमें कैश यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में पेपर मनी के टर्म्स में शायद कोई बेनिफिट ना हो, ठीक है, हम आज के दिन एक मशीनरी ऐसी खरीद रहे हैं लेकिन उसकी वजह से फलानी 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 कॉस्ट हमारी इंकर होनी बंद हो जाएगी, अब मुझे बताएं, अब आपके लिए वो बेनिफिशियल है ना,
इवन दो आप ये कह सकते हैं कि भाई उससे मुझे कोई कैश इनफ्लो होना नहीं है, मुझे कैश में कोई चीज नेट रिसीव नहीं होनी, लेकिन उसकी वजह से, इस मशीनरी की वजह से मुझे सेविंग्स होंगी, कॉस्ट सेविंग्स, तो मैं इस मशीनरी को खरीदना या नहीं खरीदना उसको मैं असेस जरूर करूंगी। तो अब बात समझ आई है क्या आपको कि रेलेवेंट कॉस्ट में फिर हम क्यों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि इनकम फॉरगॉन एंड कॉस्ट सेविंग्स को भी क्यों कंसिडर करते हैं, इवन दो वो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो तो नहीं है असली अगर उनका मतलब ले तो, है ना, उनमें तो कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा ही नहीं, लेकिन उनको हम क्यों ट्रीट करते हैं कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन। तो जब आप एक किसी एंटिटी के सेठ होते हो ना, तो आपको आपको बहुत डिफरेंट तरीकों से चीजों को देखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप सिर्फ ये नहीं देखते हो कि मेरा सिर्फ मुझे पेपर मनी नोट मुझे कहाँ नजर आ रहे हैं, अगर मुझे कहीं पे नोट सेव होते हुए भी नजर आएंगे ना, तो मेरे पास कोई नोट आ नहीं रहे लेकिन मेरे नोट्स बच जरूर रहे, है ना, मेरा पैसा बच जरूर है, तो मैं कहूंगी ओके दिस इज अ डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, इसमें भी मैंने इसको भी कंसीडर करना है, ठीक है। इट इवैल्यूएट्स ऑल कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ठीक है, वो हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि क्या कैश फ्लोज होंगे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और उसकी वैल्यूएशन हम 100% सबकी करते हैं। इट गिव्स अ सिंगल फिगर द नेट प्रेजेंट वैल्यू व्हिच कैन बी यूज्ड टू असेस द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, द एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट इज द अमाउंट बाय व्हिच द प्रोजेक्ट शुड ऐड टू द वैल्यू ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ टुडेज वैल्यू, वही वाली बात जो मैंने आपको कही थी, है ना। The NPV method provides a decision rule which is consistent with the objective of maximization of shareholders' wealth. है ना? In theory, a company ought to increase in value by the NPV of an investment project. तो ये चीज़ आप लोग आगे जाके BFD में पढ़ोगे, ठीक है? कि वो entity की value में इजाफा basically net present value के equal होता है. Disadvantages क्या हो सकते हैं? अच्छा जी, the time value of money and present value concepts are not easily understood. ये तो भी हम बहुत basic level पे पढ़ रहे हैं ना? इसके back end पे बहुत सारी assumptions हैं, बहुत सारी uncertainties involved हैं, और बहुत सारी complex calculations involved हैं. There might be some uncertainty about what the appropriate cost of capital or discount rate should be. On a very serious note, एक ही प्रोजेक्ट का मैं एक से ज्यादा डिस्काउंट रेट्स भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि ये डिस्काउंट रेट आप आगे जाके देखोगे ये बहुत सारी अजम्पशंस पे बेस करता है। अगर हमारा रिस्क लेवल इतना हो तो मैं, अगर हमारी मार्केट सिचुएशन ये होगी तो हमारा इसी सिनेरियो के लिए डिस्काउंट फैक्टर कुछ और होगा, अगर हमारी सिचुएशन कुछ और होगी, अगर हमारे फैक्टर्स हम कुछ और अज्यूम करेंगे तो इसी सिचुएशन के लिए डिस्काउंट फैक्टर कुछ और होगा, तो वो आप आगे जाकर इंशाल्लाह देखोगे। तो इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज और अजम्पशंस इन्वॉल्व है, ठीक है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ एस्टिमेट्स एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इस चीज को हम नोट कर देते हैं डिस्काउंट रेट की कैलकुलेशन में, और अल्टीमेटली नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर जो हम कैश फ्लोज देते हैं उसमें हम इस चीज को इनकॉर्पोरेट नहीं करते। इट फेल्स टू रिलेट द रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट टू द साइज ऑफ द कैश आउटलेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उसने बस ये बता दिया है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, रिटर्न कितना है, क्या रिटर्न है, कितना रेट है रिटर्न का, कि हम कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, उस चीज को असेस नहीं करता। हाई रिटर्न है, लो रिटर्न है, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो सिर्फ इसी चीज को नहीं देखना कि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, चलो जी एक्सेप्ट करो, हमें और भी चीजें देखनी है ना कि भाई ये अगर पॉजिटिव है भी तो क्या ये सफिशिएंट है, सफिशिएंटली पॉजिटिव है या नहीं, क्या हमारा रेट ऑफ जो हमें रिटर्न मिल रहा है इस प्रोजेक्ट से, इस मशीनरी से जो हमें रिटर्न मिल रहा है, क्या वो इनफ है भी या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने दो मशीनरी रख दी जाए, वैसे तो ये हम एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई 5% रिटर्न तो हर मशीनरी देती रहती है ना, अगर मैं आपको ये कह दूँ तो मैं अब ऐसी मशीनरी की तरफ जाऊंगी ना तो मुझे 5% से ज्यादा रिटर्न दे, मैं कहूँ तो आगे जाकर हम उसको पढ़ेंगे, इस चीज को हम कवर कर लेंगे अपने IRR से, ठीक है। IRR क्या होता है वो भी देख लेंगे। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड परपेचुइटीज, ठीक है। अभी हम कैश फ्लोज में सारा खेल रहे हैं, हमने अभी जो एग्जांपल देखी उसमें हो क्या रहा था, उसमें हर साल की कैश फ्लोज अलग अलग थे, है ना, डिफरेंट थे, किसी में कम थे किसी में ज्यादा थे। अगर मैं इसका सोल्यूशन लेकर आऊँ तो ईयर वन में नेट कैश इनफ्लोज थे 120,000, ईयर टू में 180, थ्री में 250 और फोर में 90,000, है ना, डिफरेंट वेरिंग लेवल्स ऑफ कैश फ्लोज थे। ऐसा भी हो सकता है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि आपने आज के दिन जो मशीनरी खरीदी है या प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया ना, पहली बात तो ये कि वो फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स है, फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता कि उसकी यूजफुल लाइफ कब खत्म हो रही है, ठीक है। दूसरी बात ये, हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कैश फ्लो हमें रिसीव होना है ना उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर मशीनरी से, वो सेम ही होगा हर साल, ठीक है। तो परपेचुअटी का मतलब होता है इन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूसली, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट याद है ना सबको, इंट्रो टू अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। परपेचुअल का क्या मतलब होता है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, है ना, ठीक है ना। परपेचुअल सक्सेशन पार्टनरशिप और बेसिकली सोल ट्रेडर और कंपनी तीनों के फीचर में हमने पढ़ा था कि परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में, ना कि जैसे ही कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है वो एंटिटी जो है वो खत्म हो जाती है, और फिर अगर उन्होंने कंटिन्यू करना हो तो अगले दिन यानी कि उसकी डेथ के बाद एक नई एंटिटी बेसिकली फॉर्म होती है, पुरानी एंटिटी खत्म हो जाती है। कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन होती है, शेयर होल्डर्स मरते जाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि कंपनी खत्म हो गई है ना, हम ये कहेंगे कंपनी वही चलती रहेगी शेयर होल्डर्स की डेथ के बावजूद, रिटायरमेंट के बावजूद, ठीक है। खेलों की बात अगर वो बेच बेच भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल या परपेचुटीज का मतलब है कंटिन्यूअसली, तो क्या होता है, अ परपेचुटी इज अ कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो फॉरएवर, ठीक है, ठीक है जनाब, एनुटी में पढ़ा होगा, बिल्कुल जनाब, एनुटी बेसिकली यही होता है ना, अ परपेचुटी इज अ कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो फॉरएवर और इनटू अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर। हमें नहीं पता कि 4 इयर्स है, 5 इयर्स है, 10 इयर्स है, क्या है, हम कह रहे हैं कि इट विल बी इनटू द लॉन्ग टर्म, ठीक है। नॉर्मली चले वो बात बाद में आपको पता लग जाएगी। इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड एनुटी माइट बी अज्यूम्ड when a constant annual cash flow is expected for a long time into the future, ठीक है। तो अगर मैं आपको अब ये कहूँ कि जनाब, छोटा सा concept है वैसे, अगर मैं आपको ये कहूँ कि जनाब मैं आज के दिन जो मशीनरी खरीद रही हूँ
उसकी जो कैश इनफ्लो है ना 5,000 रुपए मुझे हर साल मिलते रहेंगे इन टू परपेचुटी, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, उसके अंदर हमें उसकी एनुटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एनुटी फैक्टर एक होगा, क्या एनुटी फैक्टर होगा, एनुटी फैक्टर आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वहां पर डिस्काउंट फैक्टर की जगह क्या इस्तेमाल होगा, एनुटी फैक्टर है ना। और एनुटी फैक्टर का क्या फॉर्मुला है या परपेचुटी फैक्टर का क्या फॉर्मुला है, 1/i, ठीक है, सिंपल एज दैट। कोई रेशियो ऑफ पावर एन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमें एन नंबर ऑफ तो पता ही नहीं है ना। तो 1/i आपका फॉर्मुला है, इसको परपेचुटी फैक्टर भी कह देंगे, ठीक है। ये क्या है, वेयर आई इज इक्वल टू डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, जो भी आपको गिवन है। तो बेसिकली दोनों ऐसी चीज है, डिस्काउंट रेट के नाम से भी गिवन हो सकता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी गिवन हो सकता है, बेसिकली द सेम थिंग। तो आई इज इक्वल टू डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जिस तरह यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर हुआ है, ठीक है, टाइपो हुआ है, थोड़ा आगे पीछे हुआ है, ठीक है ना, क्यों मैं आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ठीक है ना। तो आपके पास क्या चीज आई है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बता दिया कि कैश फ्लो है 2000 इन परपेचुटी स्टार्टिंग इन ईयर वन, यानी कि ईयर वन के एंड से परपेचुटी। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी हम आगे जो क्वेश्चन करने लगे उसके अंदर ये चीज कवर होगी। 2000 इन परपेचुटी स्टार्टिंग इन ईयर वन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 8%। तो ये जरा एक ही सेंटेंस है, 2000 इन परपेचुटी स्टार्टिंग इन ईयर वन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अब हमने जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, इसको हम कैसे लेंगे, एनुअल कैश फ्लो ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। पहले हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर डिफरेंट कैश फ्लोज आते हैं तो हम उनको उनके डिस्काउंट फैक्टर से, हर साल का डिस्काउंट फैक्टर अलग, लेकिन अगर आपका एक ही अमाउंट का एनुअल कैश फ्लो सेम है आपका तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परपेचुटी फैक्टर से, सिंपल आता है। तो अगर आपको ये बता दिया जाए कि 2000 रुपीज का कैश फ्लो है, ठीक है, और आपका डिस्काउंट रेट कितना है 8%, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी होगी, 2000 × 1/0.08, 1/i, दैट्स इट, नॉट 1+i, सिंपल 1/i, ठीक है, ये सबने पढ़ा हुआ है। अच्छा जनाब, अब हमने जरा इस चीज को पढ़ना है, परपेचुटी फैक्टर्स दैट स्टार्ट आफ्टर टी1 हैव अ गैप इन द सीक्वेंस ऑफ कैश फ्लोज आर कंस्ट्रक्टेड इन सेम वे एज दोस फॉर एनुइटीज, क्या मतलब हुआ इसका, हम जरा आ जाते हैं इधर, इन दोनों पॉइंट्स को भी, की पॉइंट्स को भी कवर कर देंगे। अब आपके सामने क्लास ऑफ नंबर 1 आ गया, क्लास ऑफ नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विद द फॉलोइंग एस्टिमेटेड कैश फ्लोज अज्यूमिंग अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 8%, ठीक है जनाब। तो अब आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है ईयर 1 to 4, पहले वो कह रहा है कि टाइम 0 पे आपको कितना खर्चा होना है, कैश आउटफ्लो होना है 3 मिलियन का, फिर Years 1 to 4 में आपकी कितनी कैश इनफ्लो होगी, हर साल ये एनुअल कैश इनफ्लो है, हर साल 5 लाख का आपका क्या होगा, इनफ्लो होना है, ठीक है। फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, 4 साल ऐसे होंगे जिसमें हर साल आपकी कैश इनफ्लो कितनी होगी, 4 लाख, 9 और 10, 2 साल ऐसे होंगे जिसमें आपकी कैश इनफ्लो कितनी होगी, 3 लाख, और 11 ईयर ऑनवर्ड्स इन परपेचुटी हर साल आपको कितने पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे जो परपेचुटी वाली चीज आती है वो इधर आ जाती है, है ना, यहाँ पे आप जो हमारे पास कोई कैप नहीं है वो कहाँ पर नहीं है, वो ईयर 11 ऑनवर्ड्स है। तो अब हम इस तरह के सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मेरा सजेशन आपको ये है कि आप जो है थोड़ा सा या तो लंबे तरीके से भी काम कर सकते हैं, आप थोड़ी सी अपने अंदर एक वो लेकर आइए, आपको कैलकुलेशंस इसमें बहुत ज्यादा करनी पड़ेंगी, इसमें कोई हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अगर वो आपको कह रहा है कि जी 6 साल का प्रोजेक्ट है और हर साल डिफरेंट नंबर ऑफ आपके पास अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज है, तो आपको हर हाल में 6 साल का ही टेबल बनाना है, इनफैक्ट 7 साल का टेबल बनाना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब पहली बात तो हमारे पास ये आ जाती है कि ईयर 1 से लेकर 10 तक हमें उसने वेरियंग कैश फ्लोज बताए हैं ना, तो जरा हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई अगर अब जैसा यहाँ पे भी अगर आप देखो ना, तो वही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ रहा है, ईयर 1, 2, 3, 4, 4 साल ऐसे थे जिसमें कैश फ्लो जो है ना वो सेम है। तो हम यहाँ पे ना एक छोटा सा शॉर्टकट जरूर ला सकते हैं, है ना, क्या शॉर्टकट ला सकते हैं उसको जरा देखते हैं, क्लास बुक नंबर 1 पर आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब एक काम आपको मैं जरूर करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में एनुइटी टेबल्स आपको दिए हुए नहीं होते, तो आपको एक काम तो जरूर करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, जरा आप मुझे चल 11 का भी करते हैं, ठीक है, आप मुझे जरा डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करते करके मुझे बताते जाएं, यूजिंग व्हाट, यूजिंग 8%, हर साल का इंडिविजुअल डिस्काउंट फैक्टर इज नॉर्मल वाला है ना, 8%, हाँ जी, कैसे होगा, जीरो का तो मैंने नहीं लिखा ना, जीरो का तो 1 ही है बच्चे डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है, 0 का तो 1 है, ठीक है ना, टाइम 0 का तो 1 हो जाता है, उससे तो हमें कोई वर्ड नहीं है ना, ठीक है, टाइम 0 का तो 1 हो जाएगा, इसको तो मैंने ले लिया। अब आप मुझे बताइए पहले साल का, ये हमारे पास ईयर है, ठीक है, पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, 1/1.08, सिंपल एज दैट, है ना। तो मैं क्या कर दूंगी, आप तो 3 डेसिमल प्लेसेस आपने पास सिर्फ कैलकुलेट करते रहे, ठीक है, और अपने पास लिखते रहे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, चले 1/1.08, ठीक है, ये पहले साल का हो जाएगा। दूसरे साल का क्या हो जाएगा, 1/1.08 raised to power 2, यानी कि ये हो गया, है ना, 1.08 raised to power 2, कॉपी वे लिखे मत प्लीज, चैट बॉक्स में मत लिखे, अपने पास नोट डाउन करते रहे, टाइम आप लोगों को बहुत लगेगा, मैं भी बल्कि देखती हूँ यहाँ पे क्या मैं शॉर्टकट कर सकती हूँ उसको। फॉर्मूला है उसके लिए भी, ये फॉर्मूला आप लोग इंशाल्लाह सीखेंगे, देखें
एक्सेल के अंदर ये सारा हर चीज का फॉर्मूला मौजूद है। अब मुझे लंबा काम करने के बजाय मैंने पावर का फॉर्मूला लगा दिया, उसमें आपको पता है ना फॉर्मूला में बताता है कि जी आपने पावर लिखने के बाद नंबर लिखा 1.08 raised to power 4, ठीक है, ये आप लोगों के लिए लर्निंग पॉइंट है। मैं इसी को फिर आगे कॉपी कर लेती हूँ और मैं पावर चेंज करती रहूंगी, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है, चेक कर लीजिए। हाँ जी वो भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो ड्रैग आगे करें आप सेल को तो वो कॉपी हो जाएगा, ऐसे ही करें बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करें। चलिए डिस्काउंट फैक्टर्स आगे है ना, अब हम ना बेसिकली अगर आप कुछ ना कुछ जितना शॉर्ट कर सकते हैं ना चीजों को वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आपका जो पहला ग्रुप है, जो पहला आपका ग्रुप है 1 to 4 years का है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके जो डिस्काउंट फैक्टर्स का टोटल है वो क्या होगा 1 to 4 का, ठीक है, तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जी हर साल मुझे 5 lakh का कैश इनफ्लो हो रहा है, अब कॉपी मत कीजिएगा सिर्फ यहाँ पे देखें, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि मैं 5 lakh को पहले 0.926 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर 5 lakh को 0.857 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर दोबारा थर्ड ईयर का कैश फ्लो को उससे मल्टीप्लाई करूँ, इससे बेहतर ये कि मैं 5 lakh को एक ही दफा मल्टीप्लाई करूँ इन 4 सालों के डिस्काउंट फैक्टर्स के टोटल से। आंसर मेरा सेम आता है, ये रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन है ना, आपको ये बात पता है कि अगर मैं ये करना चाह रही हूँ 1 into 2 plus 1 into 10 प्लस ऐसे करके, आपको पता है ना ब्रैकेट्स में हम क्या करते हैं कॉमन, अब हमें एक चीज पता है 1 into 4 example 12 है ना, तो 1 इसमें कॉमन है ना, हर साल 1 हर चीज हर ब्रैकेट में 1 कॉमन आ रहा है, तो मैं ये काम ही तो कर सकती हूँ कि मैं 1 को बाहर रखूँ और मैं क्या करूँ, मैं 2 plus 10 plus 12 यस और नो है ना, तो मैं इन तीनों ब्रैकेट्स में, इन तीनों ब्रैकेट्स में 1 अगर मेरे पास कॉमन आ रहा है, 1 रिप्रेजेंट्स 5 lakh rupees इन दिस केस, 5 lakh into 0.926 प्लस 5 lakh into this प्लस 5 lakh into this, मैंने प्रेजेंट वैल्यू में सब कैश फ्लोस को ऐड करना है प्रेजेंट वैल्यूज को, तो मैं क्यों ना ऐसे करूं कि मैं 1:4 तक का टोटल ले लूं है ना, तो जरा इधर आ जाते हैं मेरे पास, अब मेरे पास जो कैश इनफ्लो है तो मेरे पास मैं जिस तरीके का टेबल फॉर्मुलेट करूंगी वो कुछ यूं होगा, हम मेन अपना फॉर्मेट वही रखेंगे, एक डिस्क्रिप्शन है, एक आपके पास हो गया टाइम 0 है ना, अच्छा जी बिल्कुल ये वाला फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे। दूसरा जो हमारे पास ग्रुप बनेगा ना कैश फ्लोस का, वो बनेगा 1:4 का इकट्ठा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा बनेगा क्या 5:8 का इकट्ठा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा बनेगा 9:10 का इकट्ठा, 9 to 10 का इकट्ठा, और फिर हमारा बनेगा 11 ऑनवर्ड्स का, ठीक है, चले 11 ऑनवर्ड्स का ही बन गया, ठीक है जनाब, ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट है जिसका हम टेबल बनाते हैं ऊपर, एक हमने एग्जांपल में भी कर लिया। चले जनाब अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो आ गया खर्चा, टाइम 0 पर इन्वेस्टमेंट का नाम हम इसको दे देंगे, ठीक है, टाइम 0 पर हमारे पास -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, हमने कहा कि भाई इसका डिस्काउंट फैक्टर क्या है, इसका डिस्काउंट फैक्टर है 1, ठीक है। चले जनाब 1:4 पर आते हैं, 1:4 में अब आपने क्या लिखना है 5 lakh, उसी तरीके से 500,000 का पॉजिटिव इनफ्लो आ रहा है हर साल 5 lakh का, अब आपने जो उसके डिस्काउंट फैक्टर में लेना है वो क्या लेना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि 3.312, इज दैट क्लियर, बात समझ आ रही है, आपने क्या ले लिया 3.312, मैं इसको चाहूं तो मैं इसको इस तरह से डब्बे में डाल के यहाँ पे टोटल कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि अमाउंट कहाँ से आई है, 3.312, ठीक है जनाब, 3.312 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3.312 मैंने इधर लिख दिया, और मैंने कहा कि अब मेरे पास, अब अगर मैं 5 lakh into 3.312 करूंगी तो मेरे पास पूरे 4 सालों का नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, क्लियर होगी बात। इसी तरह से 5:8 पर आते हैं, 5:8 का क्या, 5 to 8 तक का क्या आपके पास डिस्काउंट फैक्टर बनता है टोटल 2.435, क्लियर होगी बात। मैंने दूसरा डब्बा लिया और मैंने अब ये 5 से लेके 8 years तक का टोटल कर लिया और वो टोटल मेरे पास आ रहा है 2.435, सिंपल एज दैट, ठीक है, 5.746, ये क्या नहीं जनाब, 5 आपने सिर्फ इन 4 सालों का लेना है बेटा, सबका टोटल नहीं करना, 5 to 8 years में आपने सिर्फ 5 से 8 साल तक के डिस्काउंट फैक्टर्स का टोटल लेना है, इज दैट क्लियर, 2.435 लेंगे, हाँ जी क्लियर होगी बात, 2.435 क्या है 5 से 8 साल तक का सिर्फ, 1 to 8 का नहीं लेना, 5 to 8 लेना, ठीक है। इसी तरह से 9 to 10 का कैश इनफ्लोस ने आपको बताया कि जी 3 lakh है, ठीक है, तो 9 to 10 जो अब 2 साल हैं, 9 और 10 साल, इसको मैंने डब्बे में डाला और मैंने इनका टोटल ले लिया, तो वो टोटल आया 3 decimal places 0.963, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा क्या डिस्काउंट फैक्टर इन 2 सालों का। अच्छा जी 11 ऑनवर्ड्स क्या है, 11 ऑनवर्ड्स उसने बताया कि 1 lakh है, ठीक है, चले ठीक है जनाब, एक चीज तो ये हो गई 11 ऑनवर्ड्स का, अब मुझे बात बताइए डिस्काउंट फैक्टर आप क्या लेंगे, 0.429, अच्छा आप ये कह रहे हैं, अभी कॉपी मत कीजिएगा, 1 divided by r, अच्छा ठीक है, मैं ये कर देती हूँ 1 divided by 0.08, ये क्या हो जाएगा 11 ऑनवर्ड्स आ जाएगा। अच्छा मुझे बात बताइए ये मेरे पास कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है अप टू 3 decimal places 12.5, ठीक है, 1 divided by 0.08 आ गया मेरे पास 12.5, ठीक है ना। अब मुझे बात बताएं मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 1 million को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 12.5 से, मेरे पास ये जो 12.5 मिलियन आ रहा है क्या आपको ये कहीं से प्रेजेंट वैल्यू लग रही है, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 12.5 मिलियन मेरा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है,
ये तो मेरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 मिलियन 11वें साल से ऑनवर्ड जो मुझे हर साल 1 लाख रुपीज रिसीव होगा, पहले 1 लाख कर देते हैं, जो मेरा 1 लाख रुपीज रिसीव होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑन द 11th ईयर ये होगी। अब मेरी बात वहां से सुनिएगा, आपने 1 डिवाइडेड बाय r कौन से साल पे खड़े होकर लगाया, 11 ऑनवर्ड लगाया था, तो यानी कि 11, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि टाइम जीरो, मेरी बात समझ आ रही है, 11 अब आपने 1 डिवाइडेड बाय r अप्लाई करते हुए 11 को लगा कर दिया कंसिडर टाइम जीरो जब आपने 1 डिवाइडेड बाय r किया, लेकिन आपका टाइम जीरो तो एक्चुअली नाउ है, 11 साल और आपने पीछे लेकर आना है। तो पहला स्टेप तो आपका ये होगा कि आप 11वें साल के शुरू में, ठीक है, 11वें साल के शुरू में ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे कैश फ्लोज एंड परपेचुटी कितने होंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज एंड परपेचुटी, ये जो 1.25 मिलियन आपका आंसर आ रहा है ये बेसिकली आपने कैलकुलेट कर लिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इन परपेचुटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इन परपेचुटी एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 11। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप जिस डेट पे खड़े हो गए, जिस डेट पे खड़े हो गए आप अप्लाई करते हैं, डिस्काउंट फैक्टर 12.5 आया 1 डिवाइडेड बाय 0.08, 1 डिवाइडेड बाय r, ठीक है, आप जहां पे जिस आपने जो 1 लाख रुपीज के ऊपर पहले आपने 1 डिवाइडेड बाय r कैलकुलेट किया है ना, तो पहले ही आपके पास जो फिगर आई है ये आई है 11th ईयर के स्टार्ट पे कितना आपके पास प्रेजेंट वैल्यू बनता है। आई गेटिंग माय पॉइंट? ऑफ ऑल द कैश फ्लोज इन परपेचुटी, यानी कि अगर मैं ये बात कहूँ तो मैं एक्चुअली इसको इस तरीके से कह सकती हूँ कि एक्चुअली मेरा ये फिगर इस तरह से आता है। ये बात समझ आ रही है? अब बात समझ आ रही है या नहीं? मैं अगर आपको ये कहूँ कि 11 ईयर ऑनवर्ड हर साल 1 लाख रुपए रिसीव होने, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, 11 ईयर ऑनवर्ड स्टिल परपेचुटी 1 लाख रुपए एनुअल रिसीव होने हैं, विच एक्चुअली रिप्रेजेंट, विच एक्चुअली ट्रांसलेट्स टू अ टोटल ऑफ 1.25 मिलियन टोटल प्रेजेंट वैल्यू की टर्म्स में, इज दैट क्लियर? और ये जो प्रेजेंट वैल्यू की टर्म्स में आपने फिगर कैलकुलेट किया है ना, ये आपने 11 साल के पहले दिन, आपने 11वें साल के पहले दिन खड़े होकर आपने कैलकुलेट किया है। मैं अगर फॉर एग्जांपल, मैं फॉर एग्जांपल खड़ी हो जाऊं 11वें साल, 11 वाले साल में मैं एंटर होगी, ठीक है, 11वें साल के पहले दिन मैं खड़ी हूं और मैं ये कह रही हूं कि आज से ऑनवर्ड 1 लाख रुपए मैंने रिसीव करने हर साल टिल परपेचुटी, तो आज के दिन की टर्म्स में मेरे कितने इक्विवेलेंट हुए, वो 1.25 मिलियन की इक्वल है। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये मैं बात कब कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ 11वें साल के पहले दिन, लेकिन मैं तो अभी और भी पीछे खड़ी हुई हूँ, है ना, अब मैंने 11वें साल से भी और थोड़ा पीछे आना है क्योंकि मेरा रियल टाइम जीरो क्या है, रियल टाइम जीरो इज नाउ, इज दैट क्लियर? तो अब पहले तो मैं कैलकुलेट करूंगी कि 11वें साल के पहले दिन जब वो कैश फ्लो स्टार्ट होंगे तो मैं क्या कहूंगी, 1 लाख रुपीज पर एनम इज इक्वल टू 1.25 मिलियन रुपीज इन टोटल इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, और प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स होंगी 11वें दिन के पहले, 11वें साल के पहले दिन के इक्वल। अब मैंने 1.25 मिलियन को फर्दर क्या लेकर आना है, जीरो पर लेकर आना है, तो उसके लिए मैं डिस्काउंट फैक्टर क्या यूज करूंगी, 0.429, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं क्या डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल करूंगी, 0.429, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया होगा, सॉरी 0.463 होगा, हाँ, 11वें की ईयर एंड का है ना, हम तो 11वें के स्टार्ट पे खड़े हैं, हम 11वें के स्टार्ट पे खड़े हैं यानी कि 10वें के एंड पे, ठीक है, 0.463 इधर आ गया, 0.429 के आगे मैं नोट लिख देती हूँ, ना, बात समझ आ गई है ना, ये जो आपने डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट किया ईयर 11 वाला, इसी मैंने कैलकुलेट करवा दिया, चले ठीक है, ये बात मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगी, जो हमने ईयर 11 का कैलकुलेट किया ये तो ईयर 11 के एंड का है, हमने तो ये कहा ना कि 11वें साल से स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने 11वें साल का टाइम जीरो मतलब 11वें साल का डे वन है ना। अब मैं अगर आपको ये कहूंगी 11वें साल के डे वन पे ये इन्फॉर्मेशन है, तो मैं जो 11वें साल का डे वन यानी कि 10th ईयर का डे एंड, इज दैट क्लियर, ईयर एंड, तो 10th ईयर का डे ईयर एंड का मतलब ये हुआ कि मैंने उसके लिए डिस्काउंट फैक्टर क्या पिक करना है, 0.463। आई होप दैट्स क्लियर। मैंने ये किस तरीके से कैलकुलेट किया, 1.25 मिलियन को किस तरह से कैलकुलेट किया, 100,000 into 1 divided by 0.08, आई होप दैट्स क्लियर। तो पहले आपने 11वें साल के पहले दिन खड़े होके उसको पहले आपने अज्यूम करना है कि ये टाइम जीरो है, ठीक है, यानी कि अगर मैं 11th ईयर को देखूं तो मेरे पास 11th ईयर कुछ यूं बनेगा, मेरा 11वें साल पे कुछ यूं हो रहा होगा, टाइम जीरो 1, 2, 3, 4 और आगे डॉट डॉट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि परपेचुटी में मेरे पास क्या होगा, 100,000 का मुझे हर साल, ये कॉपी मत करें, मैं आपको उससे सिनेरियो समझा रही हूँ, ठीक है, 100,000 आपको, आप ये कह रहे हो कि जी हर साल मुझे 100,000 का अब कैश इनफ्लो रिसीव होना है टिल परपेचुटी, तो पहले तो मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि 11th ईयर का जो टाइम जीरो है उस पे मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक है, उस पे मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 100,000 इनटू 1 divided by 0.08, is that clear? मेरा आंसर आ जाता है 1250000. 11th ईयर का टाइम जीरो मतलब 11th ईयर का स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब मैं तो खड़ी हुई हूँ जीरो पे, सही मानो में मेरा जीरो क्या है, नाउ, राइट, तो मैंने अब फर्दर 1250 को क्या करना है, 1.25 मिलियन को फर्दर मैंने डिस्काउंट करना है, क्लियर होगी बात, ताकि मैं रियल टर्म्स में अपने टाइम जीरो पर आ जाऊँ, आई होप दैट्स क्लियर।
तो मैंने 11th ईयर का टाइम जीरो मतलब 11th ईयर का स्टार्ट ऑफ द ईयर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ठीक है, 11th का स्टार्ट ऑफ द ईयर यानी के 10th का एंड ऑफ द ईयर, मैं डिजोल्वी वाला कॉन्सेप्ट है, ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन वाला, ठीक है, पिछले साल पिछले पीरियड का जो कैरेट डाउन होता है वो मेरा करंट पीरियड का ब्रॉट डाउन होता है ना, तो मैं करंट ईयर पीरियड का ब्रॉट डाउन का हूं या मैं पिछले पीरियड का कैरेट डाउन का हूं, एक ही बात है, वेरी गुड, आई होप दैट्स क्लियर। तो मैंने अब इसके लिए क्या कौन सा फैक्टर इस्तेमाल करना है, मैंने फैक्टर करना है 10th ईयर का क्लोजिंग फैक्टर, आई होप दैट्स क्लियर नाउ। अब्दुल्ला बात समझ आ गई, अब बात समझ आ गई कि 11th onwards में 11 भी शामिल है, ठीक है, 11th onwards में 11 भी शामिल है, पहले आपने 11 के डे 1 पे खड़े होकर प्रेजेंट वैल्यू निकाली यूजिंग एनुइटी फैक्टर, ठीक है, फिर आपने कहा कि 11 के डे 1 पे अगर 1.25 प्रेजेंट वैल्यू है, उसकी वैल्यू हो गई इन अदर वर्ड्स, है ना, तो टाइम जीरो पे क्या वैल्यू होगी, 11 का डे 1 अगर हम लें तो उसके लिए हमने 0.429 नहीं लेना, क्योंकि ये तो 11th ईयर का आखिरी दिन का है, क्लियर होगी वो बात, 11वां साल पूरा अगर गुजर जाएगा तो फिर आपका एनुअल डिस्काउंट फैक्टर लगेगा 0.429, 11वां साल तो अभी तक लगा कंप्लीट ही नहीं हुआ, हमने तो 11वें साल के टाइम जीरो पे खड़े हो गए, इजैक्टली 11वें साल के टाइम जीरो पे यानी कि डे 1 पे खड़े होकर 1.25 मिलियन की फिगर आपने कैलकुलेट कर ली, अब आपने उसको डिस्काउंट करना है, रियल टाइम जीरो इज नाउ, तो उसका मतलब क्या हुआ, 10 साल के बाद, 11 साल के बाद नहीं, 10 साल के बाद, है ना, 10 साल के बाद इसका मतलब है उसकी वैल्यू है 1.25, तो आपने 10 साल का एनुइटी फैक्टर करना है, हमने 10 साल ईयर 11 के एंड पे नहीं खड़े होकर निकाली, हमने 11 के टाइम जीरो पे खड़े होकर यानी कि डे 1 पे खड़े होकर निकाली, आपको ये बात पता है, 1,00,000 का कैश इनफ्लो 11वें साल के एंड पे मिलेगा, 12वें साल के एंड पे मिलेगा, 13वें साल के एंड पे मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी कि 11वें साल के एंड पे भी मिलेगा, है ना, आपने 11वें साल के एंड के मुझे बताया जो 11वें साल के एंड पे आपको पैसे मिलेंगे उसमें भी तो टाइम का फैक्टर आ जाएगा ना, डिक्लाइन इन वैल्यू आ जाएगा ना, क्योंकि 11वां साल पूरा गुजर के फिर 1,00,000 रुपए रिसीव होंगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 11वें साल के स्टार्ट में हम सारे कैश फ्लोज की क्या वैल्यू बनती है, वो बनती है 1.25 मिलियन, 11वें साल का पहले टाइम जीरो आपने डे 1 पे आपने ये फिगर कैलकुलेट की, तो 11वें साल का फैक्टर थोड़ी लगेगा फिर, क्योंकि 11वां साल गुजरा ही नहीं अभी तक, है ना, 1.25 मिलियन जो है वो बेसिकली 11th ईयर का डे 1 है, और आपने अगर 11th ईयर का लास्ट ईयर होता है तो तब आप 0.429 लगाते हैं, इज दैट क्लियर, आई होप ये बात समझ आ गई। हाँ जी क्लियर होगी बात यहां तक, ब्रेक अभी मिलेगा, अभी तक तो नॉर्मल क्लास टाइम ही जा रही है, और इसको पढ़ना है, इज दैट क्लियर, यस और नो, तो अब हमारा जो रियल हमारा जो कैश फ्लो का टेबल बना है वो ये बना है, ठीक है, रियल हमारा कैश फ्लो का टेबल क्या बना है, अब हमने प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है यूजिंग दीज डिस्काउंट फैक्टर्स, ठीक है, कुछ के केस में कॉम्बिनेशन है, कुछ के केस में एक साल है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये तो नेगेटिव 3 मिलियन ही बनता है, बाकी सारे भी आपने कैलकुलेट कर लिए, और इंशाल्लाह 11:45 तक क्लास होगी आपकी, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, हाँ जी सम कर लें सबका और मुझे बताएं पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, क्या हम इस प्रोजेक्ट को अंडरगो करें या ना करें, पॉजिटिव आ रहा है 4,97,000 के अराउंड आपका पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है, बिल्कुल ठीक, कैलकुलेट करने को सिर्फ दावा था, ठीक है, चले आई होप दैट्स क्लियर नाउ, ठीक है, एनुइटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि अगर वो आपको कह दे कि कैश फ्लो फलाने ईयर से, अब जरूरी नहीं है कि वो पहले दिन पहले साल से कंटिन्यूटी में हो, है ना, अगर वो आपको कह दे कि फलाने ईयर से मेरा कैश फ्लो जो है वो परपेचुटी में, तो आपने उसको दो दफा डिस्काउंट करना है, अदरवाइज, है ना, एक दफा वो डिस्काउंट होगा पहले 1/r इस्तेमाल करके, जो फिगर आएगी वो प्रेजेंट वैल्यू होगी उस साल के टाइम जीरो की, और अगर वो वाला साल 3 या 4 साल के बाद है तो फिर आपने उसको फर्दर डिस्काउंट करके टाइम जीरो के ऊपर लेकर आना है यूजिंग दैट वन सिंगल फैक्टर, ठीक है, पहले 1/r करके करेंगे और फिर उस साल से पहले साल का, यानी कि अगर 11 ईयर पे आया ना ये, तो आपने सिंपली 10th ईयर का डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल किया, इज दैट क्लियर, और 10th ईयर का डिस्काउंट फैक्टर क्या है 0.463, आई होप दैट्स क्लियर, अगर इधर आते हैं वो यही बात उसने इस्तेमाल किया है, वो क्या कह रहा है, डिस्काउंट फैक्टर जो अल्टीमेट आपने डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल करना है फॉर अबव इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग परपेचुटी, पर प्रीसीडिंग परपेचुटी का क्या मतलब है, प्रीसीडिंग का मतलब है पहले, प्रोसीडिंग का मतलब है बाद में, तो क्या हुआ 11 ईयर ऑनवर्ड्स आपका परपेचुटी स्टार्ट हो रहा था ना, तो 11th ईयर से प्रीसीडिंग ईयर कौन सा है 10th ईयर, और 10th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है 0.463, रूल समझ आ गई बात, सबको समझ आ गई, तो द डिस्काउंट फैक्टर फॉर एनुइटी कैश फ्लोज वाज व्हाट 11 ऑनवर्ड्स के लिए 10th ईयर का आपने सिर्फ 10th ईयर का, ठीक है, एक साल का 0.463 आपने लिया फ्रॉम दैट कैलकुलेशन, आई होप दैट्स क्लियर नाउ, तो ये वो वाला पॉइंट था, ठीक है, जो कि नीचे से कवर हो गया, अगर फॉर एग्जांपल ईयर 12 भी होता, क्या मतलब ईयर 12 तो है बेटा 11 ऑनवर्ड्स में 12 आ तो रहा है, अगर ये होता कि 12 ऑनवर्ड्स
इधर लेके, अगर यहाँ पे लिखा होता कि 12th ईयर ऑनवर्ड जो है वो आपका हो रहा है परपेचुटी में, फॉर एग्जांपल, है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये होता कि 9 टू 11 इयर्स जो है वो 3 लाख है और 12th ईयर ऑनवर्ड जो है ना वो आपका परपेचुटी में है, तो पहली बात तो ये कि 1.25 मिलियन तो सेम आता। फिर हम यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर किसका लेते हैं, 12th ऑनवर्ड हो रहा है ना, तो आपने फिर 11 का डिस्काउंट फैक्टर लेना था, ठीक है। फिर आप यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर कौन सा लेते हैं, 11th ईयर का, प्रीसीडिंग ईयर का। तो यहाँ पे जो प्रीसीडिंग वाली बात है, होप दैट्स क्लियर, आपने 12th ऑनवर्ड अगर परपेचुटी स्टार्ट हो रही है तो आपने फिर 11th ईयर ऑफ द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग परपेचुटी का आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है। दूसरी दफा डिस्काउंट करते हुए प्रीसीडिंग ईयर का पिक करना है, उसी साल का पिक नहीं करना जिस साल से परपेचुटी स्टार्ट हो रही है, सिंपल आता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट हम इग्नोर करें क्योंकि हम तो वैसे ही प्रॉपर कैलकुलेट करके हम डिस्काउंट टेबल्स को इस्तेमाल ही नहीं करें, ठीक है जनाब। यहाँ तक बात समझ आ गई, चले 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं, 11:02 हो रहे हैं, 11:10 पे चले हम रिज्यूम करेंगे, ठीक है, 8 मिनट का ब्रेक ले लें, 11:10 पे आई विल रिज्यूम और आपको ये पार्ट सॉल्व करना होगा आई कैप का। फिर हम इंशाल्लाह इन्फ्लेशन, कोशिश रहेगी इन्फ्लेशन और वर्किंग कैपिटल का पॉइंट हमारे डिस्कस कर लें। कल फिर इंशाल्लाह टैक्सेशन की बात करके क्वेश्चन करेंगे और हमारा होपफुली जो जिस तरह से मुझे नजर आ रहा है हो सकता है कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कल ही कंप्लीट कर। तो कल संडे को भी इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास होगी, मैं इसी तरह करूंगी, 2 घंटे से ज्यादा 3 घंटे की क्लास रखूंगी विद ऑब्वियसली ब्रेक इन बिटवीन, ठीक है। चले जी जरा ब्रेक ले लें, 11:10 तक फिर रिज्यूम। दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। चले जनाब, लेट्स रिज्यूम। आपके सामने एक एग्जांपल आई हुई है, जल्दी से इसको सॉल्व करें। अ कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8.8%, ठीक है। इट इज डिसाइडिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट दैट वुड कॉस्ट 3,25,000, ठीक है। तो टाइम जीरो पे कितनी आपके पास कैश फ्लो आउटफ्लो होगा, 3,25,000। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ द नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर ईयर जीरो, यानी कि टाइम जीरो पे कोई कैश इनफ्लो नहीं होना, ईयर जीरो के बाद होगा, यानी कि ईयर वन के एंड पे, ईयर टू से लेकर ईयर सिक्स तक 75,000 रुपीज पर ईयर। ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या है, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर ईयर जीरो और ईयर वन पे इतना और टू टू सिक्स पे 75,000। कैलकुलेट एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन द नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर ईयर जीरो आर 50,000 एवरी ईयर इन परपेचुटी। तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं, पेज 474 और सोल्यूशन इधर मौजूद नहीं है, अच्छी बात तो ये होगी। पेज नंबर 474, एग्जांपल आपके सामने, पार्ट ए बी सी तीनों अटेम्प्ट करें, 10:11:16 हो रहे हैं, 10 मिनट दे रही हूँ वो भी बहुत है, बल्कि 10 मिनट में तीनों पार्ट्स हो जाने चाहिए सॉल्व, फिर आंसर डिस्कस करेंगे।
फिगर्स कैलकुलेट कर करके बताते जाएं। शाहरुख ने ए और बी का, शाहरुख कह रहे हैं कि जी दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। अच्छा जनाब, और अमाउंट्स के साथ बताएं। सना 13475 पॉजिटिव, नेगेटिव 9500, समरा नेगेटिव 134750, बी का 9500। अच्छा चले, लेट्स सी। पहले का अगर मैं आपको ये कहूँ कि पॉजिटिव है, दूसरे का जहाँ पे 50 और 75,000 है, दूसरे का नेगेटिव है और तीसरे पार्ट का पॉजिटिव। एमन वेरी गुड, वेरी गुड। आयशा चले, लेट्स सी 13 मुनीबा वाले आंसर्स। एमन वाला आंसर, मुनीबा का पॉजिटिव 13350, वेरी गुड। सेकेंड का नेगेटिव 9570 के आसपास, तीसरे का पॉजिटिव 2,43,000 के आसपास। चले देखते हैं इसको, ठीक है, लेट्स सी। किसी का आंसर ठीक नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी इसमें बहुत हाई चांसेस है कैलकुलेशन मिस्टेक्स के, ठीक है। चले जी पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में वो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8.8, नेट कैश फ्लो द प्रोजेक्ट ऑफ आफ्टर ईयर 0 आर ईयर्स 1 to 6, यानी कि 6 साल तक का है ना, तो 8 हम 0 कर देते हैं। ये तो हमारा हो जाएगा डिस्क्रिप्शन का कॉलम, ठीक है, एक हमारा हो जाएगा कॉलम टाइम जीरो का और दूसरा कॉलम किसका हो जाएगा ईयर 1 to 6। अच्छा सिंपल भी रख सकते हैं अगर ज्यादा मसले में साइलेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो जरा अब हम कोशिश करेंगे 1 to 6 का हम इकट्ठा कैसे काम कर सकते हैं, ईयर 1 to 6 का हम इकट्ठा कैसे काम कर सकते हैं। नीचे आ जाए, आपको इतनी थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन अगेन करनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप ये कैलकुलेट करें, बिल्कुल ठीक, 2,43,000 के आसपास, वेरी गुड मुनीबा। आप ये मुझे कैलकुलेट करके बता दें कि हमारे डिस्काउंट फैक्टर्स एट 8.8% कितना, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, 1 divided by 1.08, है ना, ठीक है ना, 1.08, फिर उसके बाद 1 divided by, अब मैं पावर वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ, पावर 1.2, ठीक है, 2 हो गया, अब तो 3 decimal places, इस तरह से नहीं हो रहा होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो टोटल ऑफ ऑल द डिस्काउंट फैक्टर्स अप टू 3 decimal places आपके पास क्या आ रहा है, 4.513, ठीक है, तो यही ले लेंगे फिर, है ना। चले जी, तो हमारे पास क्या है, अगर हम इसका टैबुलर फॉर्म में काम करें तो हमें ये बात पता है कि टाइम जीरो पर एक इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, कॉस्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी हो रही है, नेगेटिव 3,25,000 की, ठीक है। ईयर्स 1 to 6 में पर ईयर कितना है, 75,000, तो आपने पर ईयर लिखना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो जो मल्टीप्लाई होना है वो यहाँ पे हो जाएगा ना, 6 ईयर से वो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा अल्टीमेटली। डिस्काउंट फैक्टर आपके पास क्या होगा, इधर 1 होगा और इधर कितना है अप टू 3 decimal places, इधर आपको 3 decimal places है, 4.513, इज दैट क्लियर। तो प्रेजेंट वैल्यू जब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या होगी, 3,25,000 × 1 and 75 × 4.513, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या बनता है, 3,25,000 − 3,38,860, यहाँ तक आंसर सबको समझ में आ गया, किसका आंसर यहाँ से डिफरेंट था। हाँ जी सना, मैं आपका भी डिफरेंट था, शाहरुख नहीं आपका ठीक है, 13,475, वेरी गुड। आयशा का भी यही है, शाहरुख का डिफरेंट है बेटा, शाहरुख क्लियर होगी। देवा का भी बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गया, ठीक है, डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, राउंडिंग ऑफ की वजह से 13,475 आया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 13,400 के आसपास हो, ठीक है, बस ठीक है, राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंट होगा। चलें जी पार्ट बी में वो क्या कह रहे हैं कि अब आपके अभी भी 6 साल का प्रोजेक्ट है, फर्स्ट ईयर में कुछ और है, 2 to 6 में कुछ और है, तो ऊपर हमने फैक्टर्स को कैलकुलेट कर लिए ना, अब दोबारा से अब जब हम डिस्क्रिप्शन करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर ईयर 1 हो जाएगा और फिर ईयर 1 to 6 अलग, 2 to 6 अलग होगा, है ना, ईयर 2 to 6 आपने अलग से कर देना है। तो इसको करते हैं सॉल्व, तो पहले तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई 3,25,000 की, जिसका डिस्काउंट फैक्टर है 1, ठीक है, ईयर 1 के अंदर वो कह रहा है 50,000 कैश फ्लोज है, ये एक ही साल है ना, तो एक ही साल में आप पहला ही डिस्काउंट फैक्टर लेंगे 0.919, क्लियर होगी ना बात, ठीक है, 0.919 ही लेंगे क्योंकि एक ही साल की बात हो रही है। 2 to 6 में पर ईयर है 75,000, तो इधर 75,000 लिया, लेकिन अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने ईयर 2 to 6 के इंडिविजुअल डिस्काउंट फैक्टर्स का टोटल ले लेना है 3.594, दैट्स इट, हो गया आंसर, है ना, क्लियर होगी बात। जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्रेजेंट वैल्यू दिस मल्टीप्लाई बाय द डिस्काउंट फैक्टर, तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू इस केस में क्या निकल रही है, ये आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, नेगेटिव 9518, इज दैट क्लियर, नेगेटिव 9500 के आसपास आपका ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। टेंस में अगर डिफरेंस आ रहा है ना, किसी का 9575 आ रहा है, दैट्स टोटली फाइन,
ठीक है, आखिरी पार्ट बड़ा सिंपल है ना, इसके अंदर भी हम उसी तरह से बनाएंगे। एक तो आपका हो जाएगा टाइम जीरो, है ना, एक हो जाएगा आपका टाइम जीरो। फिर वो क्या कह रहा है अगला, आफ्टर ईयर जीरो आर 50,000 एवरी ईयर इन परपेचुटी। अच्छा जनाब, 50,000 एवरी ईयर इन परपेचुटी का क्या मतलब है, वन ऑनवर्ड्स, है ना, वन ऑनवर्ड्स, है ना। अच्छा जनाब, तो पहले तरह हम यहाँ पे लिख लें, कॉस्ट आपकी आगे, कॉस्ट आपकी आगे कितनी, नेगेटिव 3,25,000। यस, अब वन ऑनवर्ड्स के नीचे आपने क्या लिखना है, 50,000 रुपीज तो नहीं लिखना ना, पहले आप कैलकुलेशन करेंगे, पहले आप एनुटी कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या है 50,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 0.08, है ना, वो 1 डिवाइड बाय आई है, इज दैट क्लियर। तो पहले तो आपने 50,000 इंटू 1 ओवर 0.08 यानी कि 8%, तो मैंने पहले ये कैलकुलेट कर लिया 50,000 डिवाइडेड बाय 8.8%, सिंपल एज दैट। तो मैंने बेसिकली वन ऑनवर्ड जो अपनी फिगर लिखनी है ना फाइनल कैश फ्लो के टेबल में, वो लिखनी है 5,68,182, इज दैट क्लियर। अब रूल क्या है, रूल ये है कि अब आपने उसको एक और दफा जो डिस्काउंट करना है वो किसको यूज करके करना है, वो प्रीसीडिंग ईयर का इस्तेमाल करना है, इज दैट क्लियर, है ना, वो किसका इस्तेमाल करना है, अगर वन ऑनवर्ड्स है तो आपने बेसिकली जीरो का पिक करना है, जीरो का डिस्काउंट फैक्टर क्या है, वन, इज दैट क्लियर, जीरो का डिस्काउंट फैक्टर क्या है, इट्स वन। तो आप क्या करेंगे, 3,25,000 इंटू दिस, 5,68,182 इंटू दिस, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ले, नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, इट्स पॉजिटिव 243,182, इज दैट क्लियर, यस और नो। चले अब हम जरा 15 मिनट का मैं और आपका टाइम ले रही हूँ, 11:45 क्लास को एंड करेंगे। अब देयर आर अ फ्यू इश्यूज जिनको हमें एड्रेस करना होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे कि भाई अब हमने एडजस्टमेंट्स क्या क्या सीखनी है। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है वो इतना सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। एक तो हमने एनुटीज की कॉम्प्लेक्सिटी हम ले आए, ठीक है, परपेचुटी में अगर कैश फ्लो जाते हैं। अब हमने जो एडजस्टमेंट सीखने हैं उसमें आ जाते हैं इन्फ्लेशन का इफेक्ट, ठीक है। दूसरा हम इंशाल्लाह देखेंगे वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट क्या होगा, और तीसरा हम देखेंगे टैक्सेशन रिलेटेड इम्पैक्ट क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी इन्फ्लेशन का, ठीक है जनाब। अब पहली बात तो ये कि अभी मैं एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्टिव उसमें फ्लो चार्ट बनाने लगी, वही पेंट में आप यही से कंटिन्यू करेंगे, या मैं यही पे बना देती हूँ, ठीक है। अब जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें ये देखना है कि जो हमें क्वेश्चन में कैश फ्लोज दिए हुए हैं वो क्या है, क्या वो रियल कैश फ्लोज है, रियल कैश फ्लोज को करंट कैश फ्लोज भी कहते हैं, ठीक है, या फिर वो क्या है, नॉमिनल या मनी कैश फ्लोज, ठीक है। तो ये दो टाइप्स हमारे पास हैं कैश फ्लोज की, मैं एक सेकंड जरा एरो इंसर्ट कर दूं। तो कैश फ्लोज हमारे पास ये दो डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है ना, अब इन दोनों का मतलब क्या है, रियल कैश फ्लोज या करंट कैश फ्लोज क्या होते हैं, रियल कैश फ्लोज वो होते हैं जिनमें एक इन्फ्लेशन को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। ठीक है, इन्फ्लेशन को इग्नोर किया यानी कि करंट प्राइसेस पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, करंट कैश फ्लोस, रियल कैश फ्लोस, ठीक है, रियल आज के टर्म्स में मेरे पास वो क्या अमाउंट आपको बताई गई, ठीक है। फिर दूसरा सिनेरियो क्या है, नॉमिनल या मनी कैश फ्लोस में आपने इन्फ्लेशन के इफेक्ट को बेसिकली अकाउंट फॉर किया हुआ होता है, ठीक है। ठीक है ना, कैश फ्लो एस्टिमेटेड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। चलिए पापी, अब अगर मैं मॉनेटरी और रियल कैश फ्लोज के दरमियान एक रिलेशनशिप बनाना चाहूं, ठीक है, कि क्या रिलेशनशिप है, तो मुझे बात बताइए आप ये समझ में आ रहे हैं। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है, मनी कैश फ्लो इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो 1+ इन्फ्लेशन रेट रेश्यो पावर एन, ठीक है। हाँ जी, मैं अगर आपको ये कहूं कि आज की टर्म्स में 1,000 रुपए, ठीक है, आज का जो 1,000 रुपए है वो 2 साल के बाद इन्फ्लेशन की वजह से, डिस्काउंट रेट में ना और भी बाकी चीजें काउंट होती है, तो डिस्काउंट रेट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन रेट, ये बात तो जरा मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट का हमने पढ़ लिया कि एक्चुअली वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन रेट अलग है, डिस्काउंट रेट अलग है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज का जो 1,000 रुपए है, ठीक है, मैं अगर आपको ये कहूँ कि आजकल, वैसे आपको पता है कि क्या एक्सपेक्टेड है इन्फ्लेशन रेट अलग, माफ करें, मैं कल परसों न्यूज में पढ़ी थी तो उसमें जो आ रही थी वही था कि एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट विल बी अराउंड 12-13%, आई गेस, मतलब मोर देन 10% का हमारा इन्फ्लेशन रेट, आई गेस करंट भी हमारा 10% से ज्यादा ही है। तो फॉर एग्जाम्पल 11% है ना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि हर साल प्राइसेस बेसिकली 5% से बढ़ रही है ना, तो मुझे आप बताइए 5 साल के बाद, इधर 2 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स,
2 years मैं क्या कहूंगी, वही चीज जो आज 1000 रुपए की है ना, ये क्या है, ये मेरी रियल कैश फ्लो है, ठीक है, जो 1000 रुपए ये मेरा क्या है, रियल अमाउंट है ना, ये मेरा रियल कैश फ्लो है। आज के दिन जो 1000 रुपए उसकी वैल्यू है, मुझे बात बताइए इन्फ्लेशन की वजह से 2 साल के बाद वो कितने का हो जाएगा, वही 1000 रुपए 1+5% रेज टू द पावर 2 वो कितने का हो जाएगा, 1102.5, ठीक है। ये मेरा क्या कहलाता है, मनी कैश फ्लो, ये मेरा कहलाता है 2 ईयर्स के बाद इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन है 1102.5, एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन है कितना 1000, है ना। अगर इन्फ्लेशन ना होती तो 1000 रुपए ही रहना था, उसकी भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी वही गलत बात है, वो फिर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी से अप्लाई करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इज दैट क्लियर, बात समझ आती है, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशनशिप बनता है, तो अब हमें करना क्या है, पहली बात तो ये वी हैव टू इंश्योर कि अगर आपके कैश फ्लोज इन्फ्लेटेड नहीं है, ठीक है, ये जरा कॉपी करना शुरू करें, इफ रियल कैश फ्लोज आर गिवन, यानी कि वो इन्फ्लेटेड नहीं है, ठीक है, देन कन्वर्ट द कैश फ्लोज इनटू नॉमिनल कैश फ्लोज, नॉमिनल कैश फ्लोज यूजिंग इन्फ्लेशन रेट्स गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मली होता यह है कि आपको हर चीज के लिए बता दिया जाता है कि फलाने आइटम में इतना इन्फ्लेशन आएगा, फलाने आइटम में सेलिंग प्राइस में इतनी इन्फ्लेशन आएगी, कॉस्ट कैटेगरीज में इतनी आएगी, अभी हम वो देख लेते हैं, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू विल देन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एंड नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। बात समझ आ रही है, हो क्या रहा है यहाँ पे, जो आपको डिस्काउंट रेट दिया जाता है ना, नॉर्मली वो होता है आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग इन्फ्लेशन, जो डिस्काउंट फैक्टर आपको दिया हुआ होता है ना, उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट इनकॉर्पोरेटेड होता है। तो जैसी बात है, फिर उस डिस्काउंट फैक्टर को यूज करने के लिए हमने कैश फ्लोज भी इन्फ्लेशन के बाद वाले लेने हैं, क्यों फिगर आएगी बेटा, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, इन्फ्लेशन और डिस्काउंट रेट अलग अलग चीज है, इन्फ्लेशन और डिस्काउंट रेट एक अलग अलग चीज है। डिस्काउंट रेट अब हमने पढ़ लिया ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, डिस्काउंट रेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज समथिंग एल्स और इन्फ्लेशन रेट इज समथिंग एल्स, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन रेट कुछ और होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ और होगा, पहले आपने कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करना है और फिर आपने जब डिस्काउंट करना है, तो आप जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है वो नॉमिनल होता है, यानी कि वो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को उसने इनकॉर्पोरेट किया हुआ होता है। तो फिर ऐसी बात है, उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इस्तेमाल करने के लिए आपको कैश फ्लोज भी क्या लेने, इन्फ्लेटेड लेने, ठीक है ना, बात क्लियर होगी। अब अगर सवाल में आपने कन्वर्जन ऑफ अ नॉमिनल कैश फ्लो इनटू रियल, सॉरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू डिस्काउंटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने नहीं करना, कि अगर मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो नॉमिनल दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट मुझे नॉमिनल दिया हुआ है, और मैं उसको किसी तरीके से कन्वर्ट कर लूँ रियल डिस्काउंट फैक्टर डिस्काउंट रेट में, फिर कैलकुलेशन कर लूँ, नहीं, वो इतना स्ट्रेट अप नहीं है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल। इन्फ्लेशन रेट से फ्यूचर की वैल्यू इन्फ्लेशन, उसमें इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट बेटा एक ही बात है, दोनों चीजें एक है, ठीक है। अब जरा मेरा आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्लास वर्क नंबर 2 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्लास बुक नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, कैश फ्लोज फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैज बीन एस्टिमेटेड एट करंट प्राइसेस, यानी कि ये क्या है, एट करंट प्राइसेस कहीं भी लिखा हुआ हो, इसका मतलब है कि ये रियल है, नॉट इनकॉर्पोरेटेड द इन्फ्लेशन, ये इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। इसने आपको बता दिया कि ईयर 0 पे इक्विपमेंट का आउटफ्लो होगा इक्विपमेंट से, है ना, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, डिस्पोजल प्रोसीड्स, रेजिडुअल वैल्यू, है ना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फिर वो कह रहा है रेवेन्यू 8 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, रनिंग कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट होगी 4 लाख, 4 लाख, 350, 3 लाख, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कैश फ्लोज विल डिफर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली बात है ये रियल फिगर्स हैं, है ना, ये करंट प्राइसेस पे बेस करती हैं। अगर इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट होगी तो मुझे पता है कि अगर मेरी सेलिंग प्राइस भी बढ़ रही है ना, अगर मैं ये कहती हूँ कि सेलिंग प्राइस में भी इन्फ्लेशन है, तो मैं क्या कहूँगी, क्या मेरा रेवेन्यू 8 लाख आएगा अगले साल, नहीं ना, सेलिंग प्राइस भी तो इन्फ्लेट हो रही है, अब मेरा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, मेरी कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब उसने आपको बता दिया द एनुअल रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी, इक्विपमेंट की वैल्यू में 4% इन्फ्लेशन आनी है, मुझे बात बताइए क्या इंपैक्ट पड़ेगा इससे। अगर आपको कोई बोले कि इन्फ्लेशन की 4% आपका इन्फ्लेशन है, तो इक्विपमेंट की वैल्यू में 4% हर साल बेसिकली इजाफा होना है, इससे आपको क्या बात समझ आती है, रेजिडुअल वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्या 9 लाख पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं, 9 लाख पे तो इन्फ्लेट नहीं करना ना, क्योंकि तो टाइम 0 पर है ना, हाँ, 1 साल के बाद इन्फ्लेशन का इफेक्ट इन्फोर्स होने लगता है ना। तो मुझे बात बताइए, अगर मैं आपको कहूँ कि जी ये जो 2 लाख है तो करंट प्राइसेस पे डिपेंड करता है, तो मैं अगर आपको कहूँ इन्फ्लेशन अगर होती है 4% के हिसाब से, तो ये 2 लाख क्या होगी, हमेशा इन्फ्लेट होगी, बढ़ेगी, है ना। तो क्या करेंगे, 2 लाख × 1.04 × 4 फिगर बताएं जरा। तो अगर मैं ये कहूँगी जी प्राइसेस बढ़ रही है, तो मेरी इक्विपमेंट की वैल्यू भी तो मतलब प्राइसेस बढ़ रही है, तो मेरी इक्विपमेंट की रेजिडुअल वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना, महंगाई हो रही है, तो अब जब मैं बेचूंगी तो मैं महंगे पे बेचूंगी ना। जब महंगाई हो रही होती है तो सेलर को फायदा होता है, बायर को नुकसान होता है, जब महंगाई हो रही होती है, यस और नो। तो क्या आंसर आ रहा है, 2332 रेस्ट पावर 4 किया आप लोगों ने,
अच्छा चले देखते हैं इसको आगे। इसी तरह से रेवेन्यू में 3% इजाफा होना है, 5% होना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो 12% उसने आपको बताया है। तो पहले तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट अलाउिंग फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इन्होंने आपको एक ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, डिस्काउंट फैक्टर आपने इस बात को इग्नोर कर देना है कि क्या ये रियल डिस्काउंट फैक्टर है, डिस्काउंट रेट है या नॉमिनल है, आपको एक ही सवाल में दिया हुआ है, आपने दोनों सिनेरियो में वही अप्लाई करना है। ठीक है, जहां पे वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देंगे, वहां पे इग्नोर करेंगे, तो वो सिंपल है ना, पहला पार्ट तो बहुत आसान है ना, 4% 3% 5% से कोई इजाफा नहीं करना, सिंपल आपने पार्ट ए में नेट कैश इनफ्लोस कैलकुलेट करने हर साल के और उनको डिस्काउंट कर देना 12% को यूज करके। हम जरा पहले जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं 1146 वाले, आई वांट टू सॉल्व व्हाट क्लासवर्क नंबर 2 का पार्ट बी, क्लासवर्क नंबर 2 का पार्ट बी जरा मैं जल्दी से सॉल्व करना चाह रही हूँ। हमारे पास पहली चीज तो आ गई डिस्क्रिप्शन है ना, फिर हमारे पास आ गया टाइम जीरो, फिर उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये सारे आपके पास इयर्स आ गए। अच्छा, अब हम एक एक करके जरा प्लॉट करते हैं। इन्फ्लेशन का 9 लाख पे तो कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, ये तो आपकी होगी कॉस्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलें जनाब, ये आपके पास यस पैसे कर दें, कॉस्ट कर दें और सेल प्रोसीड कर दें, ठीक है, डिस्पोजल रेजिडुअल वैल्यू। चलें जनाब, तो क्या आपके पास आ रहा है 900,000। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, सेल प्रोसीड पे 200,000 एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहले साल के बाद क्लास वर्क टू ये रहा, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 1. पावर में दे देती हूँ किसकी 1.04, कितना परसेंट है 4% पर ईयर है। ठीक है, 1.04 रेस टू द पावर 4। ठीक है, ये क्या आंसर आ रहा है 233972। ठीक है ना, चलें ये कहा कब से इन्फ्लेशन लग रहा है, एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी इक्विपमेंट वैल्यू 4% पर ईयर। हाँ जी, ये याद है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। चले आगे चलते हैं, फिर आप जरा बाकी सारे उनको देखेंगे। ठीक है, रेवेन्यू में 3% पर ईयर का इजाफा आना है। ठीक है, तो 8 लाख के ऊपर 1.03, दूसरे 8 लाख पे 1.03 रेस टू पावर 2 है ना, तीसरे पे 6 लाख इंटू 1.03 रेस टू पावर 3, ये सारे आपने करने हैं, जरा कर लेते हैं इसको जल्दी से। रेवेन्यू आपके पास क्या क्या आ जाएगा, हाँ जी 8 लाख इंटू 1.03, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 8,24,000। ठीक है, दूसरे साल का जो कैश इनफ्लो है 8 लाख का, ये क्या हो जाएगा 8 लाख इंटू 1.03 रेस टू पावर 2 है ना, ये हो जाएगा 848720। तीसरे साल का जो कैश इनफ्लो है 6 लाख का, इसको कर देंगे रेस टू पावर 3, राइट 600,000 इंटू 1.03 और रेस पावर 3, यानी कि ये हो जाएगा 6,55,636। और आखिरी साल का कितना है 4 लाख इंटू 400,000 इंटू पावर ऑफ 1.03 रेस टू द पावर 4। ठीक है, 4,50,204 क्लियर होगी बात। रेवेन्यू हो गया इन्फ्लेट, फिर वो कह रहा है रनिंग कॉस्ट को आपने 5% पर ईयर इन्फ्लेट करना है, तो 4 लाख के बजाय क्या लिखेंगे, यू गेट द पॉइंट है ना, रनिंग कॉस्ट अब हमारे पास क्या होगी, पहले साल की एंड पे 4 लाख नहीं रहेगी बल्कि 4 लाख इंटू 1.05 है ना। फिर अगले साल ये नेगेटिव में आएगा, फिर अगले साल फिर 4 लाख है, लेकिन इसको हम इंटू 1.05 इंटू 1.05 4,41,000 जाएगा। ठीक है, आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर 3,50,000 1.05 और आखिरी साल में कितना है 3 लाख। ठीक है, ये आपने कर लिया 3,64,000, दैट्स इट, सारा काम आपका हो गया। अब आपने क्या कर देना है, अब आपने नेट निकाल देना है और आपने उसको रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर से वो कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया नेट, ये क्या आ गई इन्फ्लेटेड नेट कैश फ्लो। ठीक है, अब आपने इसको कैसे करना है, डिस्काउंट फैक्टर है 12%, अब वही 12% अज्यूम करेंगे कि ये रियल भी है या नॉमिनल भी है। ठीक है, फिर होगी बात, हो जाएगा ये सॉल्व, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास वर्क नंबर 2 आपने कंप्लीट करना है, बाकी क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह करेंगे, ये जरा की पॉइंट्स भी आप डिस्कस कर लीजिएगा, फिर हम इंशाल्लाह वर्किंग कैपिटल को कल और टैक्स अपने इस चीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे कल, और फिर इंशाल्लाह इन्फ्लेशन के साथ उसको मिक्स करेंगे। कल की टाइमिंग मुझे बता दें, शाम की ठीक है या सुबह की रखूं, सुबह रखें, सुबह रखें, चले ठीक है, सुबह की ज्यादा वोट्स आए हैं, तो फिर काम करते हैं 9:30 के बजाय 10 कर लेते हैं। ठीक है, सुबह 10 बजे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10, 11, 12, 1 बजे तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद एडिक्वेट गैप्स इन बिटवीन, लाइक ब्रेक्स इन बिटवीन। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टॉपिक है, इसमें इतना ज्यादा कोई मसले वाली चीजें नहीं है ना, आई थिंक इट्स प्रीटी इजी, काफी आसान है। चले यहीं तक रखते हैं, आप लोगों ने अब तैयारी करनी है टेस्ट की, टेस्ट कौन सा मैं लूंगी संडे और मंडे, इंशाल्लाह आप लोगों का कौन सा मैंने नाम किया बता, ब्रेक इवन और रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, तो उसकी तैयारी करें और फिर इंशाल्लाह हम
जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के जो मेन सवाल है वो मेक और बाय वाला, वो फिर हम नेक्स्ट वीक किसी दिन रख लेंगे। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का इकट्ठा कभी कोई टेस्ट रख लूंगी मैं, वो अपलोड करवा दूंगी, आप अटेम्प्ट करके उसको कर दीजिएगा अपलोड और क्लासेस के बाद ही। ठीक है चले जनाब, क्लियर होती है बात। तो आपका होम असाइनमेंट क्या है, कंप्लीट क्लास वर्क नंबर 2 पार्ट ए भी और पार्ट बी भी। 233972 मैच नहीं हो रहा बुक में, बुक में जो भी है हमने तो सही कैलकुलेट किया है ना, रेस्ट टू पावर 4 किया है। ठीक है हमारी फिगर सही है, इसके अलावा और हो भी नहीं सकती ना। क्या रेट, हमने रेट तो सही इस्तेमाल किया ना, क्या है इक्विपमेंट की वैल्यू 4% पर ही है, 4% के हिसाब से किया। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है सुबह 10 बजे, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज मेरे दुआ कीजिए, गला मेरा थोड़ा सा खराब हो रहा है तो अल्लाह ताला जरा हिम्मत दे ही रखे क्लासेस की एंड तक, नहीं उसके बाद भी। ठीक है जी जेबा, कोई सवाल है आपका? का क्या, सॉरी आप मुझे रेफरेंस दे दो जी। अनिबा पूछे रेलिवेंट कॉस्ट की, ओ अच्छा वो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया सर, नासर सर मैं डिस्कस करके ना वो क्राफ्टमैन वाला वो मैं आपको अपडेट करती हूँ, वो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया सर। ठीक है मुझे काइंडली कोई रिमाइंडर दे दे रात तक कि मैं शाम तक करके बल्कि रिमाइंडर दे दे 11800, बस 11800 भी लिख दे, क्राफ्टमैन लिख दे तो मुझे बात याद आ जाएगी। ठीक है और मुनीबा, अच्छा वर्किंग कैपिटल अब हमने करना है ना बेटा, वर्किंग कैपिटल हमने वो तो मैंने वैसे ही आपको इलस्ट्रेशन दिखाई थी ना कि अल्टीमेटली ये चीज बनती है, वो हम दोबारा करेंगे। वर्किंग कैपिटल का भी अगला वही पढ़ना है, फिर उसके बाद टैक्सेशन आएगी। ठीक है बल्कि वर्किंग कैपिटल और इन्फ्लेशन को भी के बारे में भी छोटी सी बात बतानी है, फिर उसके बाद टैक्सेशन पर आएंगे। चले जनाब इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।